मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे इंतहाई मुकर्रम नाज़रीन कराम, आदा। सबसे पहले मैं आज आपको कौमी योम तालीम की मुबारकबाद देता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आप सबका। और आप जानते हैं कि आज 5 बजे के सेशन में हमारे मेहमान जो हैं थोड़े अलील थे। दूसरा सेशन हमारा जो खसूसी गुफ्तगू रखी गई थी आज ही के दिन की मुनासिबत से, तो वो जिन शख्सियत से थी, यानी जो हमारे मेहमान थे, वो आपके रूबरू हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये तमाम जो हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सिलसिलावार एक कड़ी है उर्दू अदब को उर्दू ममालिक के साथ जोड़ने की, उर्दू बस्तियों के साथ जोड़ने की, और उर्दू वाले जो भी हैं, चाहे वो अदीब हों, शायर हों, मुहक्किक हों, अदब इत्तफाल के जानकार हों, लिखने वाले हों, कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे हिंदो पाक की बात हो, चाहे सार्क ममालिक की बात हो, खलीज ममालिक की बात हो, या इससे ऊपर जो भी नई नई बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं उर्दू के नाम से, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप तक उन तमाम मेहमानों को ला रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी, जैसे हमने योम सर सैद की तकरीबात मुनक्किद की, इसी तरह हमने योम असातिज़ा बहुत धूमधाम से मनाया। आज का खसूसी प्रोग्राम लेकर मैं इरफान आरिफ आपके रूबरू फिर से एक बार अपने नए मेहमान के साथ, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं डॉक्टर शाहनवाज चौधरी। इनके बारे में आपको मैं तफसील में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम जब गुफ्तगू करेंगे तो कुछ ऐसे वो भी रहेंगे हमारे, कुछ नुकात जो एक एक करके सामने आएंगे। लेकिन मौसूफ के हवाले से मैं आपको इतना बताता चलूँ कि ये बेहतरीन मुहक्किक हैं, अदीब हैं, और बेहतरीन और मयारी दानिशवरों में इनका शुमार होता है। मुदीर हैं और कल्चरल ऑफिसर हैं गोजरी सेक्शन के कल्चरल, जो हमारी जम्मू कश्मीर की एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर, उससे ये वाबस्ता हैं। बहुत अरसे से ये उर्दू की जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, जो मुख्तलिफ असनाफ हैं, उनके साथ भी जुड़े रहते हैं। खुद इनका बैकग्राउंड जो है वो उर्दू से है, उर्दू में ही इन्होंने PhD किया है। मेरे हम जमात भी रहे हैं, हम क्लासमेट भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शाहनवाज साहब आपका इस्तकबाल करता हूं। आज आप हमारे मेहमान बने हैं एक खास मौजू को लेके, जो हमारे नाजरीन भी बहुत, मैं कहूंगा कि मुंतजिर थे कि आज के दिन के हवाले से हमारी तहरीक जो है ये क्या कर रही है। तो मैं बताता चलूँ कि आज हमारे मेहमान जो है खसूसी गुफ्तगू करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक हमागीर शख्सियत। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया इरफान आरिफ साहब। मैं सबसे पहले तो ये बात कहता चलूं कि आप ये जो तहरीक बकाई उर्दू की एक बहुत बड़ी तंजीम, इसे मैं आप तहरीक ही कहूंगा, इसने बहुत वसी और हमा जहत काम किया है, ना सिर्फ रियासत के हवाले से बल्कि मुल्क में इसका एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। इस तहरीक ने उर्दू अदब के फ़िरोग के लिए, इसके इस्तकलाल के लिए, इसकी तरक्की के लिए जो नमायाँ काम किया है, वो आप अपनी मिसाल है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज एक खसूसी प्रोग्राम के लिए, जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, आपने मुझे दावत दी। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कल अपने आबाई गांव यानी महेंडर में थे, और हमारे इस प्रोग्राम की वजह से आज आपको सफ़र भी करना पड़ा, थकान भी है, लेकिन उसके बावजूद जो अहद था वो आप पूरा करने के लिए यहां तशरीफ़ लाए। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए ये जानना चाहूँगा कि हम चूँकि पढ़े तो एक साथ हैं, लेकिन फिर भी कुछ जमातें जो हैं वो आपने अकेले में तय की हैं, तो मैं जानना चाहूँगा मुख्तसर ही सही, क्योंकि हमने बड़ी जामे गुफ्तगू करनी है मौलाना आज़ाद के हवाले से, लेकिन मुख्तसर ही सही अपने तालीमी सफ़र पर थोड़ा सा यहाँ हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज आप
हमारे रूबरू हैं एक बेहतरीन ऑफिसर की सूरत में। मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरह से हमने ये तालीमी सफ़र तय करके यहाँ तक की मंजिलें जो हैं हासिल की हैं, तो जितना इख्तसार आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि आपने ये तमाम तर जो मराहिल हैं कैसे अपूर किए हैं। शुक्रिया इरफान साहब। मैं, मेरा आबाई गांव जो है वो तहसील मैंडर में एक करनाई का इलाका है, छोटा सा मोहल्ला, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने भाई अपनी जो तालीम दाई तालीम है मैंने वहीं हासिल की, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में मैंने बीए की तालीम हासिल की। उसमें हम दोनों हम जमात थे, क्लासमेट थे, और उसके बाद हम जम्मू यूनिवर्सिटी आए और फिर वहाँ से एमए की डिग्री हासिल की, 2000 की बात है। और फिर उसके बाद पीएचडी में भी आप मेरे हम सफ़र हैं, और फिर हमने 2007 में मैंने पीएचडी मुकम्मल किया। और उसके साथ साथ ही बस इस तालीमी में इसके साथ जुड़ गया, मशागल के साथ किताबें लिखने और ये मकालात लिखने की जो सूरत हाल थी वो वहाँ से पैदा हुई। वहाँ एक उन दिनों प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस थे, तो उनसे मिलने का एक दिन इत्तफाक हुआ, तो फिर एक सिलसिला चल पड़ा लिखने लिखाने का और किताबें पढ़ने का। तो इस बात को तकरीबन 15-16 बरस हो गए। तो फिर जितना भी कुछ पढ़ा गया, कोशिश की मैंने कि मैं इस सफ़र के साथ जुड़ा रहूँ, तो इस सूरत हाल में हमने बहुत सी चीज़ें देखी। और फिर आज माशाल्लाह आप भी जानते हैं मुझे, और ये सफ़र ऐसे ही जारी हो सारी है। अच्छा लगा जब आप का हमने इश्तहार इस भर की दुनिया में आवेज़ा किया, तो हमारे जो बीए में उस्ताद मोहतरम थे जाफरी साहब, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत नातिक साहब, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक वो याद करवाया दौर के। उन्होंने कुछ सवालात किए थे और ये कहा था कि जो इसका सही सही जवाब देगा तो उन्हें हम पूरे नंबरात देंगे। तो उनमें से आप जो है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि मुझे याद है कि आप उन शागिर्दों में थे। बहरहाल आपका ये जो तालीमी सफ़र जो नहायत ही इख्तसार के साथ आपने यहाँ पेश किया, बहुत अच्छा भी लगा। इस बीच में चूँकि जगन्नाथ आज़ाद साहब से मुलाकातें रहीं और उसमें आप, मुझे यकीन है और याद भी है, अक्सर आप वहाँ बैठा करते थे और उनकी किताबों की तस्सी किया करते थे, और मेरे ख्याल जुस्तजू किताब थी, कुछ और किताबें थी, और वो अक्सर आपको किताब ज़रूर दिया करते थे पढ़ने के लिए, ये मुझे याद है। और दूसरे दिन कहीं ना कहीं आप उनसे मिला करते थे और वो गुफ्तगू हुआ करती थी। तो इसी एतबार से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी योम इकबाल भी मनाया गया बहुत धूमधाम से, लेकिन बहुत कम लोगों ने, मैं चाहूँगा ये जो रियासत की सतह पर हमारे जगन्नाथ आज़ाद साहब को याद किया, लेकिन आप चूंकि उनके साथ काफ़ी वाबस्ता थे, मैं चाहूँगा कि इख्तसार के साथ ही सही, लेकिन उनकी खिदमात या उनका जो एतराफ़, मैं चाहूँगा कि किस तरह से वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अक्सर वो मुझे याद है कि आपसे बहुत सी इस तरह की बातें किया करते थे कि मैं हिंदुस्तान से ज़्यादा जो है बाहर मेरी पज़ीराई है। तो थोड़ा सा आप, चूँकि आप काफ़ी करीब हैं उनके और रहे हैं, कोई ख़त भी आपने पिछले दिनों अपडेट किया था, शायद आपकी किताबों पे उन्होंने लिखा भी है, तो मुख्तसर सही सही, लेकिन क्योंकि एक अहम शख्सियत रहे हैं हमारे यहाँ रियासत से, और दूसरा ये है कि इकबाल के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि आप। इरफान साहब, आज़ाद साहब के हवाले से एक बात कहता चलूँ कि जगन्नाथ आज़ाद इकबाल के माहिरीन में से शुमार होते हैं। उन्होंने इकबाल के हवाले से बहुत वसी काम किया है। इकबाल की कई किताबें जो हैं आज़ाद साहब ने अपनी अपनी बातों में, अपनी तशरीहात में, तफसीरात में इस तरीके से बयान की हैं कि उन्हें तमाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी बड़े लोग थे उन्हें उन्हें माहिर इकबाल कहा है। पहली बात तो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जगन्नाथ आज़ाद का इतना ज़्यादा इस्तकबाल यहाँ नहीं हुआ। एक ज़माने में शेख साहब ने उन्हें यहाँ अपॉइंट किया था, वो यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहे और फिर उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें एज प्रोफेसर एमेरिटस लाया गया और यहाँ उन्होंने काफ़ी ऐसा काम किया। इकबाल पर उनका काम बहुत हमागीर है, बहुत बड़ा काम है इकबाल पर, कई किताबें हैं।
इकबाल और उसका फन है, इकबाल माइंड एंड आर्ट है, इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन की किताब है, उसके बाद इकबाल और उसका अहद है, और बहुत सारी किताबें हैं आज़ाद की इकबाल को लेकर। आज़ाद ने जो इकबाल पर काम किया है ये किस्म की बड़ी बहुत बड़ी एक मर्दाना किस्म की तहकीक है। और फिर इकबाल बजात खुद एक बड़ा शायर था, इस हवाले से भी जगन्नाथ आज़ाद ने इकबाल को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और फिर दूसरी बात यह है कि वो फारसी के बहुत बड़े आलिम थे, फारसी तालीम और इकबाल की शायरी का जो असल क्रक्स है, जो असल इकबाल के थॉट्स हैं, जो असल इकबाल के ख्यालात हैं, वो इकबाल ने फारसी अपनी फारसी शायरी में ही पेश किए हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद को सबसे बड़ी सहूलत ये रही है कि वो इकबाल के ख्यालात को मिनवान तरीके से यहाँ अपनी निगारशात में पेश कर पाए हैं। उर्दू में उनका काम इकबाल को लेकर बहुत अच्छा है। और दूसरी जो बड़ी डायमेंशन है इकबाल को लेकर, जो उन्होंने खास और खास अपनी किताबों में बयान की है, वो इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन, इस किताब का नाम ही यही है। इसमें जितने भी हमारे थियोलॉजियन हैं मगरब के, इन्होंने जहाँ से इकबाल मुतासर हुए हैं, उसमें बरकसा हूँ, उसमें कोई दूसरे हूँ, उसमें रूसो हूँ, या कोई मैसोलिनी हूँ, या जिसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हैं जहाँ से इकबाल इकबाल के जहाँ से इकबाल मुतासर हुए या उनके ख्यालात को बयान किया, तो आज़ाद साहब ने उन तमाम चीज़ों का महास्वा पेश किया है। और ये किताब बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत कम पढ़ी गई है, लेकिन इसे पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल होनी चाहिए, खासकर एमए के लिए, ताकि तालिब इलम इकबाल की जो असल सूरत हाल है वो उसको समझे। और आज़ाद ने ये चीज़ें जो हैं, फिर वो बहुत सारी किताबें इनकी अंग्रेजी में भी हैं, इकबाल माइंड एंड आर्ट है, इकबाल उसका फ़न, ये बहुत बड़ी किताब है, ये किताब उनकी छपी थी। और इस तरह आज़ाद ने जो इकबाल को हाइट दी, जो इकबाल पर काम किया, वो हमारे बरसगीर हिंदो पाक में किसी भी बड़े दानश्वर से इस लेवल का काम ना हो सका। हाँ, इकबाल से पहले कुछ लोग थे जिन्होंने इकबाल पर इस नोयत का काम किया और बहुत मानदाना काम है, इनमें डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान साहब, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के छोटे भाई हैं, उन्होंने किया, और खलीफा बिन हकीम साहब की किताब आई थी फिक्र इकबाल। मैं समझता हूँ कि इन दो स्कॉलर्स के बाद अगर इकबाल पर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेयारी काम किया है, वो जगन्नाथ आज़ाद ने किया है। हमारी रियासत जो है ये अदब को लेकर हमेशा थोड़ी बहुत ही, कभी ये जो छोटे लेवल की इंटरेस्टेड लोगों की होती हैं या बहुत कम दर्जे की बातें होती हैं, वो हमारे लोग जो हैं कभी कभार बड़े लोगों को, हमारे जो प्राइवेट सतह है हमारे लोगों की, वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आज़ाद का जो जो अदबी वजूद था, जो कदोकामत अदब के लिहाज से थी आज़ाद की, वो बहुत वसी थी। तो बहरहाल आज़ाद इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठे हुए थे, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनकी कोई कदर कीमत कोई करता है या नहीं करता, लेकिन इकबाल पर उनका काम उस दर्जे को तयन करा देता था। और कारी माने ना माने, लेकिन ये बात मसलमा है कि आज़ाद ने जो जो काम कर डाला, जो बात आज़ाद ने इकबाल के हवाले से की, वो एक किस्म की निशान मंजिल है। और आज का कारी, आज की तारीख अदब उर्दू, जब भी इन चीज़ों को देखेगी, जब भी इन चीज़ों को पढ़ेगी, जब भी इकबाल के हवाले से कोई तहकीक होगी, कोई खोज होगी, जब भी इकबाल को कुछ उस पर पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, तो आज़ाद को ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि आज़ाद ने इकबाल पर एक बुनियादी नियत का काम किया है, वो काम की जिसकी असलियत, जिसकी हकीकत बहुत ही वाजे है और बहुत ही क्लियर है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद के कैलिबर का स्कॉलर, खासकर इकबाल को लेकर जो है, वो हमारे यहाँ अभी तक पैदा नहीं, खासकर जम्मू कश्मीर। तो ये एक सूरत हाल आज़ाद की जो है बहुत बहुत ही अच्छी रही। दूसरा ये है कि आज़ाद के हवाले से जो एक आम बात कही जाती है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हकीकत नहीं है कि आज़ाद एक बड़े शायर नहीं थे। मैं समझता हूँ कि इकबाल, ये जगन्नाथ आज़ाद जो हैं, वो बहुत बड़े शायर थे उर्दू के। इस बात में क्या हर कोई इस बात को जानता होगा, अगर नहीं जानता तो ये बात मैं आज वाजे कर दूँ कि जब पार्टीशन हुआ, जब हमारे जो मुल्क तकसीम हुआ, जब तो उस वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह जैसे शख्स ने तीन लोगों में, जिनमें जोश मलियाबादी थे, जिनमें हाफिज़ जलंधरी थे और जिनमें जगन्नाथ आज़ाद थे, इन तीनों में से एक नाम का इंतखाब किया कि ये जो है पाकिस्तान का जो पहला तराना था वो जगन्नाथ आज़ाद ने ही लिखा। इससे बड़ा एजाज और क्या होगा, ऐसा सरज़मीन पाक के नाम से उनका ये काम जो कम से कम 4 या 6 साल चलता रहा, और बाद 1956 के अंदर हाफिज़ जलंधरी ने दूसरा लिखा। तो आज़ाद को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज़ाद के हक में जाती हैं, जिससे ये साबित होता है वो ना सिर्फ एक बड़ा दानिश्वर था, एक बड़ा मुहक्किक और नकाब था, बल्कि एक बहुत बड़ा शायर भी था। बहुत खूब खूब,
यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और मैं शायद बाद में इनके नाम ना ले सकूं क्योंकि ये सतह बढ़ती जाएगी। हमीदुल्ला खान साहब हैं, फयाज खान साहब हैं, बिशारत साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, गुलशन साहब हैं, सानी इकबाल साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, खुर्शीद बिस्मिल साहब हैं, नवीद अंजम साहब हैं और बेहतरीन जो है कहा भी जा रहा है कि जो इस वक्त गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं जगन्नाथ आजाद के हवाले से और इकबाल के हवाले से बहुत ही खूबसूरत। मुश्ताक अहमद कादरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि जगन्नाथ आजाद और इकबाल के ताल्लुक से यानी जो करीबी गुफ्तगू आप कर रहे हैं फरमा रहे हैं, ये हमीदुल्ला खान साहब ने भी इससे अच्छा कहा है। खुर्शीद बिस्मिल साहब का कहना है कि दिली खुशी हुई कि रियासत के एक दाना आदमी जो है आज महफिल में है, तो बहरहाल शुक्रिया उनका। इकबाल की जो सदी है और इसमें जो तकरीबात हैं उसमें आज़ाद साहब ने भी हिस्सा लिया है। मुश्ताक कादरी ये मुश्ताक अहमद वानी साहब का कहना है कि आज़ाद शनासी और इकबाल के हवाले से अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हमीद साहब का मानना है कि मेरी यूनिवर्सिटी में स्पेशल स्टडी के पर्चे जो हैं इकबाल के हवाले से शामिल हैं। तो बहरहाल प्रितपाल सिंह बेताब साहब भी आपको नवाज रहे हैं कि शाहनवाज साहब हमारे दानिश्वर नक्काद मुहक्किक हैं। जी मोहतरम शुक्रिया, मैं इनके इस्तकबाल में ये सब चीज़ें कह चुका था। परवेज शहरियार साहब आपको सलाम कह रहे हैं, शाह हमीम साहब आपको सलाम कह रहे हैं। तो ये तमाम तर गुफ्तगू होती रहेगी और ये सारी अच्छी अच्छी बातें हम सुनते रहेंगे। हमीदुल्ला खान साहब का ये बहुत अच्छा एक मुख्तसर सा कमेंट है कि दो तालीमी हम सफर की मुलाकात। तो बहरहाल शुक्रिया तमाम नाज़रीन कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम रसूल साहब का है कि आई केम टू नो दैट जगन्नाथ आजाद हैड फुल कमांड ऑन द शायरी ऑफ अहमद रजा खान बरेलवी साहब। बहरहाल तमाम तर नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे साथ बने हैं और हमारे मेहमान आज डॉक्टर शाहनवाज हैं। खसूसी गुफ्तगू हमने करनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से, एक हम आगीर शख्सियत के मालिक हैं। ये तो ज़िमनन चूँकि हम पढ़ा करते थे तो हमारे हमारी यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद साहब जैसी शख्सियत मौजूद थे। कस्बे फैज़ हासिल रहा है, उनकी सोहबत में बैठना नसीब रहा है, उनकी किताबों की तस्सी करना वो हमें एक शर्फ हासिल है कि हम उनके साथ बैठते थे, कमरों में किताबें मिला करती थी। बहरहाल ये तमाम तर बातें ज़िमनन आई हैं। शाहनवाज साहब बहुत सारी शेड्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिसपे आज हमने बात करनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं वो सहाफ़त हो उनकी, वो उनके मजामीन हो, एक बहैसियत अदीब के हम बात कर सकते हैं, बहैसियत सहाफ़ी के बात कर सकते हैं, मुफस्सिर रहे हैं वो, बेहतरीन माहिर तालीम रहे हैं, इसीलिए आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ कौमी योम तालीम उनकी मुनासबत से मुनक्किद किया जा रहा है। हर स्कूल हर कॉलेज में ये तकरीबात मनाई गई और अलग अलग जो NGOs हैं, जो बहुत सारी तहरीकें हैं, अंजुमने हैं, वो भी कौमी योम तालीम को मना रही थी। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है आज हमारा ये प्रोग्राम है। तो मैं क्योंकि सारा एक साथ नहीं, मैं चाहूँगा कि हम तरतीब वाइज पहले आप आज़ाद साहब को यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुझे ये आज़ाद से याद आ गया, हम दोनों जब MA में दाखिल थे तो यहाँ से जब हमारा एक यूनिवर्सिटी यानी नेशनल क्विज कंटेस्ट हुआ था मुअम्मा एपिसोड में दिल्ली में, तो वहाँ इस आज़ाद पे थोड़ी सी हो गई थी कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, वो सवाल बिल्कुल मुझे ही आया था। बहरहाल तो वो हम किस तरह से फाइनल तक पहुंचे थे उसमें आपका बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था आपने। बहरहाल वो बातें हम बाद में करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहैसियत सहाफ़ी इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि सहाफत क्या क्या उन्होंने निकाला, कौन कौन से अखबारात निकाले, किस तरह से उन्होंने सहाफत को परवान चढ़ाया, फिर हम उनकी दूसरी जो अदबी पहलू हैं उस पर भी बात करेंगे। जी शुक्रिया इरफान भाई। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साबिन देख रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना प्यार जताया है, मैं उन तमाम का ममनून हूँ, खासकर बेताब साहब, हमीदुल्ला साहब, मुश्ताक कादरी साहब और खुर्शीद बिस्मिल साहब, और मैं जिनका नाम भूल रहा हूँ वो मुझे माफ़ रखेंगे। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे सलाह रहे हैं, और कोई सवाल भी हो तो वो आप रखें, बेधड़क बेझिझक रखें।
आपने अब हम बरसरे मतलब हम आजाद की सहाफत पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में या बरेसिन हिंदू पाक में अगर आप किसी दो बड़े एजुकेशनिस्ट का इंतखाब करें तो आपको एक बिलाशुबा मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम रखना पड़ेगा, और उनसे पहले थोड़ा सा जाएं तो सर सैयद अहमद खान। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने रोशन ख्याली की बात की, इल्म की और तालीम की बात की। अब बस इस वक्त जो सवाल है वो आजाद की सहाफत को लेकर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद वो खासकर उर्दू बैकग्राउंड और फारसी से थे, और अरबी उनकी मादरी जबान थी और फारसी उन्हें बेह बनाती थी। शायरी पर उनको पूरा दर्क हासिल था। सहाफत में वो लिसानुल सिद्क नाम के एक जरीदे के तौर पर एक हफ रोजा के तौर पर मैदान में उतरे थे। लिसानुल सिद्क जब उन्होंने शुरुआत की तो तमाम उर्दू के बड़े मुहक्किकीन जिनमें अल्ताफ हुसैन हाली हूँ, अलामा शिबली नौमानी हूँ या इस तरह के इस कैलिबर के जो लोग थे उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। उनके आजाद की कलम में खासकर इंशा परदाजी और जबान पर जो और मौजूआत को लेकर जो पकड़ थी वो आज तक भी उसके बाद देखने को नहीं मिली। यानी आजाद की शुरू की हुई सहाफत और आजाद का सहाफती सफर जो है उसका आज भी कोई मैच नहीं। बेसिकली जो बुनियादी तौर पर जो बात है जो आजाद को इस लेवल पर लेके ऊपर जाती है वो ये है कि एक सहाफी का बेखौफ और बेरहम होना बहुत जरूरी है। यानी सहाफी जो लिखे वो एक आईना दिखा दे, और लिखते वक्त वो कोई भी लैतो लाल ना करे, किसी भी ऐसी दलील में ना पड़े जिससे गुमराही फैले या सच सामने ना आए। आजाद का ये काम था कि वो अपनी कलम से आग उगलते थे। जितना भी उस वक्त हमारे जो बाहर के ये फरंगी लोग थे इनके कलेजे कांप जाते थे आजाद की तहरीर को पढ़कर। 1914 में उन्होंने अल हिलाल नामी हफ्तरोजा का फिर की शुरुआत की, अल बलाग को शुरू किया, और उसके अलावा वो कई जो दूसरे अखबार उस वक्त उर्दू के निकला करते थे उनमें आजाद की रिपोर्टें छपा करती थी। और खासकर इन अल हिलाल के अंदर तो लिसानुल सिद्क को बहुत जल्दी उन्होंने फिर उसके उससे उससे आगे बढ़कर जब 1912 के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा हाफजा तो मैं यही आ रहा है कि 12 के आसपास उन्होंने अल हिलाल नामी हफ्तरोजा फिर जारी किया। और इसमें उन्होंने जोग्राफिया से लेकर सियासत से लेकर अदब से लेकर तमाम शोबाजात को उन्होंने इसमें इसमें लाया और इस खूबसूरती के साथ डिस्कस किया, और इस तरीके से उन्होंने सामने लाया कि तहरीर आज तक उसकी मिसाल पेश नहीं कर पाई। अगर उसके बाद तो खैर बहुत सारे अखबार निकले, बहुत एक सफर था अखबारों का और बहुत बड़े सहाफी मैदान में आए। उनसे पहले ही आजाद जैसा तो नहीं था कि आजाद से पहले अखबार नहीं थे, इससे पहले भी उर्दू के बड़े अखबार निकले, लेकिन आजाद की सहाफत एक मकसदियत की सहाफत थी। इसने अपने मुल्क के लिए काम किया और उन लोगों के खिलाफ लिखा जो इस हमारे मुल्क पर जिनका गासबाना कब्जा था। आजाद ने अपने लिखने की सूरत में किसी भी ऐसे सूरत की कोई कोई परवाह नहीं की कि उन्हें किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। बगैर ये सब चीज देखे हुए आजाद ने अपनी सहाफत का सफर जब जारी रखा, जब उसमें लिखा, तो आजाद को इसकी वजह से बहुत बार सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर इन अल हिलाल जैसे अखबारों की जो है जो मैकेनिज्म जब्त हुआ, फिर इसको बंद करना पड़ा, और फिर आजाद कैदोबंद में चले गए। उसके बाद फिर तो ये जो सूरत हाल आजाद के साथ में, लंबी तफसील में अगर जाऊंगा तो ये बड़ा वक्त लेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्तसरन इस हवाले से कि आजाद की सहाफत और आजाद की खताबत जो है, खासकर सहाफत को लेकर आजाद का जो मकाम है वो एक बहुत बड़ा मकाम है, वो आज तक भी आजाद के लेवल का और आजाद साहब की सूरत हाल जो उन्होंने इंशा परदाजी जो उन्होंने सहाफती सफर तय किया है, इतना बड़ा सहाफी हमारे पास नहीं आया तो जिसने इस खूबसूरती से इस कमाल से काम किया हो कि वो आजाद के मुकाबले में ला जा सके। ये बात अलामा शिबली जैसे लोगों को कहना पड़ा कि आप तो नुमाइश में रखने के काबिल हो। और हाली जैसा एक शरीफ नफ्स इंसान जो किसी भी झूठ का शायबा तक नहीं, आप कह सकते कि हाल ही पर ऐसी बात होगा, उसने कहा कि आजाद का जो 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 सहाफत है इसकी मिसाल तो पीछे भी नहीं है और आगे भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब अल हिलाल और अल बलाद की तहरीरें मैंने खुद पढ़ी, मैं खुद भी सहाफत का तालिबे इल्म रहा हूँ, मैंने खुद सहाफत पे काम किया है, तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही इस तरह की बेबाक तहरीर जो है जिसमें बगैर किसी लोच के, बगैर किसी उसके
आजाद ने जिस तरह से बेकामकासद बेखौफ होकर लिखा है ये तो साफी लिख ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आजाद के जो जुमले हैं जिनकी काट और आजाद की जो मानी आफरीनी है और जो आजाद की नसर के अंदर एक गहरापन है, एक साफ और शफाफ किस्म की नसर है, एक कतियत जिसे आप उर्दू में कह लें, वो कतियत तो बहुत कम लोगों में देखने को, आज भी बहुत कम, प्रोज तो लोग लिखते हैं लेकिन प्रोज में लोग क्या करते हैं कि बस इधर उधर की आंख दी और फिर तमहीद बांध दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आजाद के यहाँ ऐसा नहीं था। जो बात शुरू की जाए वो शुरू की जाए और वो इतना इंतहाई साफ तरीके से सामने, जैसे आप आईना देख रहे हों ऐसे आजाद की तहरीर होती थी। तो ये जो आजाद का कतियत थी, जो आजाद का एक वाज सबूत है इस बात के बारे में, जब भी किसी चीज पर वो लिखते थे वो इतना खुलकर और इतना साफ लिखते थे कि फिर पढ़कर ये लगता था कि ये बहुत ही दिल गुर्दे का काम है। ऐसी तहरीर मैं नहीं समझता हूँ कि आजाद से आज तक उर्दू सहाफत में कोई इतना बड़ा सहाफी और इतनी आला तहरीर किसी ने पेश की। बहुत खूब। ओहो, मेरा माइक भी थोड़ा बंद था। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जितने भी नाज़रीन यहाँ आए हैं उन नाज़रीन में से हमारे जुल्फ़कार नकवी साहब का ही मैं पढ़ रहा था कि इरफान भाई आपका माइक जो है वो बंद है। तो बहरहाल शौकत नसीम साहब, जुल्फ़कार नकवी साहब, हमीदुल्ला खान साहब, आलम बनारसी साहब, शाजली साहिबा, अभी मैंने कहा आपको कि ये न्यूजीलैंड से हमें देख रही हैं और हमारी पजीराई कर रही हैं, शुक्रिया है। जुल्फ़कार नकवी साहब के साथ शाह हमीम साहब हैं, लैगर दरक्षा हैं, ये अभी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि इनको अदबी प्रोग्राम्स देखने का इतना शौक पैदा हो गया है। इला जोशी हैं, ये हमें पंजाब से देख रही हैं, इसी तरह प्रीतपाल सिंह साहब के साथ साथ जफर नवाज राठर साहब देख रहे हैं, सीमा तैमूर साहिबा देख रही हैं, फैज़ अकबर साहब देख रहे हैं, डॉक्टर गुलशन रशीद साहब देख रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक सवाल फातिमा खातून प्रोफेसर देख रही हैं, प्रोफेसर अमजद अली बाबर साहब देख रहे हैं, नाम आते जाएंगे, लेकिन मैं एक सवाल हमीदुल्ला खान साहब ने दो तीन पूछे, मैं उन सबको मिला के एक के मुसलमानों की नशातुल सानिया के हवाले से अबुल कलाम आजाद का क्या रोल रहा है और जो उनकी सहाफत थी वो सियासी बेदारी थी या कौमी बेदारी थी, तो मैं चाहूंगा कि मुख्तसर। बहुत अच्छा सवाल किया है हमीदुल्ला खान साहब ने। आजाद की जो पहले सहाफत में बता दूं, आजाद की सहाफत कौमी सहाफत थी और सियासत जो उस वक्त जो सियासत हो रही थी उसको आजाद ने बड़े आड़े हाथों लिया और अपने हकूक की बात की तो कौमी नजरिए पर आजाद ने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा। दूसरा जो निशात सानिया की बात कर रहे हैं, निशात सानिया तो बहुत बड़ा काम है, वो तो आजाद से कहीं बहुत पहले शुरू हुआ था, जिसमें आप रोशन ख्याली जिसे कह लें या कहीं अलूम की ऐसी सूरत हाल, उस पर तो सरसीर जैसे लोगों का नाम लें जिन्होंने एक रवायती ढांचे को तोड़कर उसमें एक नए तालीम के नए निजाम की शुरुआत की थी और कहा था कि ये जो सूरत हाल हमारी कसम कुर्सी की है जिसमें हम देर से एक ऐसे सिस्टम के साथ उलझे हुए हैं, इलम की एक ऐसी डगर पर चल रहे हैं जहां से हमारे पास कुछ आगे हाथ आने वाला नहीं है, तो ये जो नई तालीम का ख्वाब था ये आप थोड़ा सा आगे ले जाएं, आज़ाद तक ना लाएं, लेकिन आज़ाद की सहाफत जो थी वो एक कौमी सहाफत थी और आज़ाद ने अपनी कौम के हवाले से बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत बेबाक तरीके से लिखा और आज़ाद का कंसेप्ट वाजे था। सबसे पहली बात यह है कि आज़ाद की जब कौमी नज़रिया था वो जिसे आप दो कौमी नज़रिया कह लें, जो कि किस्म की टू नेशन थ्योरी जिसे या दो कौमी या कौमी नज़रिया कह लें, आज़ाद इसके सख्त मुखालिफ थे। वो आज़ाद का अपना नज़रिया था और मैं समझता हूँ कि इस पर आज तक बहसों मुबाहिसे जो हैं वो जारी हैं, बल्कि बहुत से लोग इस फेवर में हैं कि आज़ाद का जो दो कौमी नज़रिए का जो इनकार था वो बहुत अच्छा था, कुछ बहुत सी दुनिया जो कहती है कि ये सही नहीं था। तो
इसके क्या निकलेंगे, अभी तो हनूज इसके बारे में कुछ हतम राय कायम नहीं की जा सकती। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि आज़ाद जो कंसेप्ट दे रहे थे उस कौमियत का, और जो दो कौमी नजरिए के हवाले से जो आज़ाद ने एक बड़ा कंसेप्ट दे दिया था वो बिल्कुल सही था। ये एक बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, मुमकिन है इस वक्त यहाँ इस सवाल में या इस सूरत हाल में इसकी गुंजाइश इसके इसकी तफसीलात की ना हो, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि जो आज़ाद का ये नज़रिया था वो बतौर अदीब, अदीब तो एक सतह थी आज़ाद की, बहुत बड़ी सतह, लेकिन यहाँ यहाँ आज़ाद सबसे बड़ा सियासतदान दिखाई देते हैं यहाँ इस मुकाम पर, जब वो दो कौमी नज़रिए का इनकार करते हैं। आज हम उसके नतीजे देख रहे हैं क्या सूरत हाल इस वक्त हमारी है, लेकिन आज़ाद ने जो ये कहा था ये बहुत बड़ी बात थी। और मुमकिन है आज़ाद की थ्योरी उस वक्त नहीं चल सकी, लेकिन किसी कौमी दो किसी नज़रिए को अपने विजन के साथ इनकार करना, एक तो हो गया कि ऐसे ही इनकार, एक तो विजन के साथ उसकी जस्टिफिकेशन देना, उसके दलाइल देना कि आने वाले वक्त में इसके क्या हालात निकलेंगे, ये आज़ाद जैसा पेशबीन मैंने जो वक्त से पहले किसी चीज़ को बता दे, मैंने आज तक उर्दू खासकर हमारे जो थियोलॉजी लोग हैं, थ्योरिस्ट लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, उसमें आज़ाद सबसे बड़ा आदमी है जिसने ऐसी बातें की। उन्होंने अपनी 1945 की तकरीर में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये कह दिया था कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो बहरहाल हमारे लिए ठीक नहीं होगा, और हमें अभी भी हमारे वापसी के हमारे यहाँ वापसी के जो इम्कान हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं, हमें ये इस तरीके से उसको तकसीम के प्रोसेस से जब हम किसी चीज़ को गुजार देंगे फिर बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। आज़ाद की ये बातें जो हैं वो आज उनकी कदर कीमत मालूम हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद बतौर सियासी उनका बहुत बड़ा विजन था, इतना बड़ा विजन उस वक्त मुस्लिम फकरीन में से किसी का नहीं था, मुमकिन है मेरी बात से कोई इतफाक ना करे, लेकिन ये डिबेट एक बहुत बड़ा डिबेट है और इस पर तो इस तरीके से इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बात नहीं हो सकती। बहुत 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 खूब, हमीदुल्लाह खान साहब ने ही कहा है कि वाजिब जवाब मिला है, बहरहाल बहुत अच्छा, और खुद फातिमा खातून भी कह रही हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत अच्छे सवालात हो रहे हैं, शाजली साहिबा भी आपको कह रही हैं कि बहुत खूब है। तो बहरहाल रियाज अहमद रियाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वाजिद साहब हैं, तारिक अबरार साहब हैं, जावेद अनवर साहब हैं, और इस इम्तियाज़ जरगर साहब हैं हमारे प्रोफेसर हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बातें हैं, बातों में से बातें निकलेंगी, क्योंकि अभी हम किले मोहल्ला की भी बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने वो खतूत लिखे थे। अब मैं उसी की तरफ आता भी हूँ कि सहाफत का जो हमने एक पहलू उनका देखा है, मैं चाहूँगा कि इसी तरह बहैसियत अदीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपकी नज़र में कैसे हैं, उन्होंने क्या अदब की खिदमत अंजाम दी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आज भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं वो आज भी उन इम्तिहानात का हिस्सा बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बड़ा बहुत ही खूबसूरत इरफान भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यहाँ थोड़े से मेरे तहफ़ुज़ात हैं आज़ाद साहब के हक़ को लेकर, बतौर अदीब और बतौर मुफस्सिर आज़ाद की दो डायमेंशन हैं, दो शेड्स हैं। पहला तो ये सूरत हाल है कि बतौर अदीब मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बहुत कम अप्रिशिएट करता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, मुमकिन है कोई इस राय से इतफाक ना करे। और बतौर मुफस्सिर या शाहरे इस्लाम आज़ाद का एक बहुत बड़ा मकाम है। ये दो सूरतें हैं यहाँ पर। पहली सूरत जो है बतौर अदीब, आज़ाद साहब की जो जितनी भी तहरीरें जो मैंने पढ़ी हैं वो गुबारे खातर से लेकर खुतबात आज़ाद तक, और फिर जो दूसरी जो कुछ किताबें हैं उनकी, उन तमाम किताबों में इंशा परदाजी का अरूज नजर आता है। आज़ाद के हाथ में मकसदियत नहीं है, यानी वो अदब में कहना क्या चाहते हैं। यानी आपको मैं एक मिसाल दे दूँ गुबारे खातर, जो किसी किले में बैठकर एक कुछ खतूत हैं अभी मौलवी हबीब शेरवानी के नाम लिखे उस जमाने में, मैं समझता हूँ आप पूरी इसी पूरी गुबारे खातर जो है इस किताब को पढ़ने के बाद एक कारी के पले सवाए अल्फाज की गन करज के, सवाए बहुत बड़े अल्फाज खासकर जैसे अरबी नसर के हों, अरबी नुमा नसर ऐसे जोरदार तरीके से लिखी गई है, ऐसा तो एक नारा किस्म का लग रहा है, तो मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आया। और आज़ाद साहब की अपनी ज़ात पूरी किताब पर हावी नजर आई, यानी उनकी अना देखी गई, उनका लबो लहजे का जो एक एक बहुत बड़ा एक किस्म का वो देखा गया। तो अल्फाज का सकील इस्तेमाल होना, अल्फाज के या नसल में रवानी ना होना, ये एक अलग बात है कि आज़ाद एक बहुत बड़े फनकार भी थे, वो उर्दू और फारसी के इतने बड़े जईद आलम थे कि उनकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती, लेकिन
नसर और प्रोज जो जिस बला का नाम है या जो जो सिनफ है, इसे लिखने की जो सूरत हाल है वो बहुत ही रवां, बहुत ही शुस्ता और बहुत साफ होनी चाहिए, जो कि आज़ाद के यहाँ नहीं थी। मैं बतौर अदीब आज़ाद साहब को बड़ा अदीब नहीं कहता, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इससे ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतफाक़ करे। डिसएग्री करना हर किसी का हक है, मेरे पास इसके जवाब हैं, इसके बहुत बड़े दलाइल हैं कि क्यों नहीं वो इतने बड़े अदीब थे। दूसरी सूरत है वो बतौर मुफसर, बतौर मुफसर जिसे कह लें, या जिन्होंने तर्जुमान कुरान के नाम से एक तफसीर जो है आज़ाद की लिखी, और फिर वो दूसरी जो सूरतें हैं कई सूरतों के तर्जमे किए और कई इस्लामी किताबें जो आज़ाद ने लिखी, वहाँ दो चीज़ें आती हैं नज़र। एक तो आज़ाद साहब की जो अरबी दानी है, यानी जो अरबी जबान पर उनकी कमांड है, एक तो वो बहुत वाज़ेह है फिलोलॉजिकल आस्पेक्ट पर, वो कितने खूबसूरत बोलते हैं। दूसरी जो है वो ये है कि वो किसी भी चीज़ को, जैसे कुरान पाक में उन्होंने सूरह यूसुफ की तफसीर की, मैं एक मिसाल दूंगा, या सूरह फातिह शुरू में एक जिल्द है पूरी उनकी, आप देखिए वो किस तरीके से अल्फाज के उस सारे मंजर और पस मंजर के साथ बहस करते हैं। अफाम तफहीम की जो राह आज़ाद निकालते हैं खासकर तफसीर में, वो बहुत कम आलमों में देखी गई है। सूरह यूसुफ के अंदर उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें बयान की, कोई भी कुरान की सूरत ले लें, जो खासकर जो मुझे पसंद आई उनकी जो पहले सूरह फातिह की तफसीर है, और खासकर फिर सूरह यूसुफ में उन्होंने जिस कमाल से चीज़ों को एनालाइज किया है, वो बहुत कम फसलों के का हिस्सा रहा है, और बहुत कम लोग इसे इस तरह से बयान कर पाए जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। लेकिन आज़ाद ने यहाँ एक चीज़ और भी कही जा सकती है इसके अजाफे के साथ, कि इन चीज़ों को जब आज़ाद डिस्कस करते हैं, कभी कभार वो ग्रामर और कभी कभार अल्फाज का जो ज़बानदारी का जो शऊर है या ढांचा है, उसमें ऐसे गहराई तक उतर जाते हैं कि फिर वो जो असल सब्जेक्ट है वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो इस एतबार से मैं कहूँगा, और फिर यहाँ एक दूसरी बात है जो आज़ाद साहब की मुझे बहुत पसंद है, कि उनका हाफसा लाजवाब था, बेपनाह हाफसा था, इतना बड़ा हाफसा शायद आज की सदी तक भी आज़ाद को लेकर कितना किसी के पास नहीं था, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इतना हाफसा था। फारसी का कोई ऐसा शायर नहीं होगा जिसके अशार उनको सारी जबानी याद ना हो, यानी आप मौलाना रूम से चलिए हाफिज से लेकर उर्फी नज़ीरी तक, कोई भी ऐसा शायर नहीं होगा जहाँ आज़ाद को बेपनाह किस्म की दस्तरस हासिल ना हो। और इस्लामियात को लेकर जितने भी वाकात हमारी इस्लामी तारीख में हुए हैं, आज़ाद ने इस तरीके से मेनुआन हवाले दिए हुए हैं, कभी कभार तो यूं लगता है कि इतना बड़ा वसी मताला जो है ये करने के लिए एक उम्र चाहिए, एक तजर्बा चाहिए, और साथ में किताबों का एक बहुत बड़ा अंबार चाहिए। ये आज़ाद साहब ने कहाँ से हासिल किया, ये किस तरह से हुआ, ये कभी कभार बाहर तो वो दो जगह ही तालीम हासिल की उन्होंने, जामे अज़हर से फारिग़ुल तहसील थे, और फिर अब्तदाई तालीम जो है मक्का मुअज़्ज़मा में उन्होंने हासिल की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका जो ज़ाती मुताला था, अपना ज़ाती मुताला जो था वो उस प्रोफेशनल मताले से कहीं बहुत बढ़कर था। वो कभी कभार जब दिबाचे लिखते थे किताबों के, कभी कभार जो चीज़ें लिखते थे, ऐसा लगता था कि ये शख्स जो है कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ कर ले आया। और साथ में अगर कहेंगे आप, मैं इस सवाल को जब कंक्लूड करूँगा, अगर ये कहूँ कि बतौर अदीब आज़ाद बड़े अदीब नहीं थे, तो मैं इस बात पर ये मेरा ये एक ज़ाती मानना है आज़ाद की निगारशात को पढ़ने के बाद, और बतौर इस्लामी मुफक्कर और बतौर इस्लामी स्कॉलर के आज़ाद का बहुत बड़ा मुकाम था। मैं इस ये भी मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये मेरा अपना अपना जो है पढ़ा हुआ है, अपने तजर्बे की इस पर कह रहा हूँ बुनियाद पर, अपने पढ़ने की बुनियाद पर। तो बतौर अदीब आज़ाद को आप मोहम्मद हसन आज़ाद, जो हमारे दूसरे अदीब हैं जो उर्दू के ज़रा शिबली के हाली आज़ाद से थोड़ा सीनियर थे, या अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही ले लीजिए, इनके मुकाबले में भी आज़ाद बहुत कम थे। क्यों कि आप इन अदीबों की किताबें देख लीजिए, इन निगारशात पढ़कर आपके पले कुछ पड़ता है, लेकिन जब मौलाना आज़ाद का अदबी सफ़र आप पढ़ेंगे, उसमें आपको आज़ाद की नसर के ज़ोरदार झटके लगेंगे, आज़ाद के लब लहजे से आप मुतासर होंगे, और आज़ाद की जो तरकीबात और बंदिशें जो खासकर इस्तेमाल की, खासकर जो तरकीबें और सनदें इस्तेमाल की हैं, उनसे तो आपको वाकफियत मिलेगी, लेकिन अदब के अंदर या चीज़ को एनालाइज करने की जो सूरत हाल है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास
माइक का थोड़ा सा रह जाता है मुझे। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं वो इस बात को सराहा रहे हैं, आपकी इस जो जवाब देने का तरीका है उसे बहुत खूबसूरती से वो बयान भी कर रहे हैं। चाहे मैं यहाँ देख रहा था कि प्रितपाल सिंह बेताब साहब का कहना है कि शाहनवाज साहब का मुताला बेमिसाल है। नफीसा सुल्ताना अना साहिबा कह रही हैं कि बहुत अहम मालूमात हमें फराहम हो रही हैं। मुमताज़ हुसैन सैयद हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। बेहतरीन ये जो गुफ्तगू चल रही है, आज़ाद साहब के हवाले से कुछ सवालात भी आए हैं, वो भी आप तक मैं पहुंचाता चलूं। जिनमें एक सवाल यह है कि आज़ाद साहब का लगो लहजा जो है, ठीक है ना, ये हसीन था, मुसज्जा था, मुकफ्फा था। बहरहाल पान इस्लामिज्म की बात हमीदुल्ला साहब ने कही है कि गुब्बारे खातिर जो अहमदनगर किला में लिखे गए हैं, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जो आपने कहा उन्होंने भी सुना कि जितनी भी आपने बातें की उनके जो शोरा कराम का नाम गिनाया, उन्होंने कहा है कि उनकी तहरीरों में इकबाल का शेर नहीं मिलता है, तो क्या वो इकबाल को पसंद नहीं करते थे? कुछ ऐसा है मामला, तो इस चीज पे कहीं आपकी अगर कोई राय बन पाती है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैं कोई सवाल जो लोग करते हैं, मेरी उन तमाम से यही गुजारिश है कि किसी भी किस्म का सवाल पूछ लिया जाए, और खासकर बेताब साहब का तो मैं बहुत ममनून हूँ। ये हमारी उर्दू गजल की शान है, आबरू है हमारी, और हमें ऐसे बुजुर्गों को सुनने का और पढ़ने का मौका जब मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हम उस खुश नसीब नस्ल में हैं। कल जिससे हमें पूछा जाएगा कि आपने प्रितपाल सिंह बेताब को पढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका बहुत ही इनका ममनून हूँ। ये देख रहे हैं आजाद और इकबाल को लेकर जो जो सवाल आया है कि क्या ये एक दूसरे को के फिक्री, इनकी बेसिकली आजाद साहब का और इकबाल का सबसे बड़ा जो तफावत है, बीच में जो फर्क है, वो फिक्र को लेकर के है। इकबाल जो थे वो इस्लामी रियासत के कायल थे, और आजाद जो थे वो इस तरीके से किसी प्योरीफाइड इलाके के कायल नहीं थे कि जहाँ सिर्फ ही यही चीजें की जाए। तो सबसे बड़ा जो उनके दरमियान तजाद था वो इस सूरत को लेकर था। तो आजाद ने बजाहिर तो कोई बात इकबाल के हवाले से नहीं कही है, कोई लिखा हो या अलामा इकबाल ने कुछ आजाद के बारे में कुछ ऐसी तहरीर कोई दी हो, कि एक आध जुमला जो कहीं नजर भी आता है, खासकर आजाद के हवाले से कि उन्होंने इकबाल के लिए कहा, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई सदाकत है, कोई दलील है। लेकिन ये दोनों शख्सियात दो इंतहाओं पर थी। एक इंतहा इकबाल की थी। इकबाल कभी कभार लोग इकबाल को बहुत पसंद करते हैं, मैंने अलामा इकबाल को बहुत पढ़ा है, उन पर किताबें भी लिखी हैं। तसव्वुरात इकबाल के नाम से एक मेरी किताब जो है, बल्कि दो किताबें छप भी गई हैं, हालांकि ये मेरी इब्तदाइया मश्क थी। उस वक्त में इकबाल के पुरस्कारों में से था, आज मैं इकबाल के नाकदीन में से शुमार होता हूँ। तो इकबाल जो एक फंडामेंटल पॉइंट थे, ये बात तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो एक ऐसी रियासत के कायल थे जहाँ फंडामेंटलिज्म हो, और वो इस तरीके से आजाद का ये नजरिया नहीं था। इसे ही कहते हैं विजनरी सियासतदान। इकबाल बतौर अदीब ये बात कर रहे थे। यहाँ हमें देखना होगा कि इकबाल बतौर अदीब ये बात कर रहे थे, बतौर एक शायर की हैसियत से, बतौर एक इस्लामी मुफक्कर की हैसियत से बात कर रहे। लेकिन आजाद की जो इंतहा यहाँ पर है वो एक बतौर विजनरी, एक ऐसे शख्स की है कि जो कौमियत के बारे में सोच रहा है, जो पूरे एक खिते के अमन के बारे में सोच रहा है, जो एक ऐसी ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां उसे कोई खास तबका नजर नहीं आता है। तो वो वहां पर जो थ्योरी दे रहा है या जिस थ्योरी जो आ गई है उसको नेगेट कर रहा है, वहां इकबाल से आजाद का कद बहुत बड़ा हो जाता है। ये अभी इसके बारे में मैं आज भी अभी कुछ तासर नहीं दे सकता हूँ उस तरीके से मुकम्मल, अभी तो वक्त बताएगा कि ये क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन सियासी विजन के अतबार से आजाद जो है वो इकबाल से कहीं कहीं बड़े थे। तो आजाद का ये सोचना इस तरीके से इकबाल का एक अलग तरीके से सोचना, दोनों की अलग अलग डायमेंशन थी और दोनों का एक अलग अलग सोचने का अंदाज था। तो इस तरीके से इन दोनों में कोई मुमासिल नहीं थी, खासकर इस फिक्र को लेकर। बाकी एज ए अदीब, एज ए इस्लामी मुफक्कर अगर बात की जाए, या इस्लाम मुसलमानों के बारे में जो अच्छा लिखा गया, उसमें तो इकबाल बहुत आगे है। वो बहुत कहीं से कहीं है आगे, उतना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उतना तो बड़े से बड़ा दानश्वर भी इकबाल की कदर पाप को भी नहीं छू सकता, जो इकबाल ने लिखा है या जिस कमाल का इकबाल ने लिखा है। इकबाल तो मुफक्कर था, इस्लाम इकबाल तो दानश्वर था। इकबाल में तो कई हमाजेद पहलू हैं इकबाल की शख्सियत में, जिसे शुमार ही नहीं किया जा सकता।
वो इतना बड़ा शायर था कि उस कैलिबर का शायर आज भी नहीं, लोग इकबाल को कहते हैं कि शायर नहीं था, ये खाली मुफक्कर था, ये सी एक फजूलियात किस्म की बहसें हैं। वो एक मुफक्कर भी था, एक बड़ा शायर भी था और एक बहुत बड़ा जबानदान भी था। उसको कई जबानें आती थी और वो खासकर अरबी को से लेकर फारसी और उर्दू में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर नजरिया साजी का इतना बड़ा शायर हमारी पिछली सदी में नहीं देखा। खासकर एक खास माइंडसेट की बात करता हूँ मैं, वहाँ इकबाल का एक बहुत बड़ा मकान है। वहाँ आज़ाद नहीं थे, लेकिन आज़ाद की जो सतह है वो बिल्कुल एक तरफा है, उसी तरफ है, उसको उसी तरीके से देखने की जरूरत है। यहाँ अगर हम इन दोनों का मुकाबला कराएंगे तो ये तो छोटे बड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज़ाद का सोचने का तरीका एक अलग है और जो आज़ाद ने अपना मुतालबा रखा, जो बात रखी आज़ाद ने उस जमाने में, मैं समझता हूँ कि उसकी कदर कीमत होनी चाहिए और वही उसकी कदर है और वही आज़ाद को एक बड़ा विजनरी सियासतदान जो है कहलाती है। तो ये बातें तो इस तरीके से हो सकती हैं, इसको बहुत ही मतलब कम टाइम में तो इस तरीके से एलाबोरेट नहीं किया जा सकता। बेशक बहुत ही खूबसूरती से आपने इतने बड़े सवाल के जवाब को आपने यहाँ पेश किया। आज पूरे हिंदुस्तान में कौमी योम तालीम मनाया गया, तो मैं इसी तरफ आऊँगा कि जहाँ हमने इनको बहसियत मुफस्सिर अदीब सहाफ़ी के तौर पे यहाँ अभी तक डिस्कस किया। मैं चाहूँगा कि वो माहिर तालीम भी थे, बहुत सारे बड़े से बड़े जदीद से जदीद जो आज तालीमी इंस्टीट्यूट हैं वो उनकी देन है, जदीद तालीम उनका एक नज़रिया था। आपने सर सैद का नाम पहले गिनाया, बेशक सर सैद के बिल्कुल करीब करीब हम इनकी वो भी देख सकते हैं जो उठान थी, किस तरह से ये उस तालीमी नज़रिए को लेके चले थे। बहैसियत माहिर तालीम, चूँकि इन्हें भारत रत्न जैसा अवार्ड भी मिला है जो हमारा बहुत बड़ा एजाज है, और आज उसके बावजूद हमारा पहला यानी आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम बनना और ये एक ख्वाब था जो सच भी हुआ, और आज यही कौम जिसके वो इतने चहीते थे, जिसको वो किसी सतह पे देखना चाहते थे, उस कौम को इस कौम के अंदर ये तजल्लुल यानी क्यों आया, ये वो मयार वो मकाम क्यों बरकरार नहीं रख पाई, तालीम क्यों इस समाज से कम होती जा रही है, इस पे भी आप थोड़ा सा कहें, खुद बहैसियत मुफक्करे या माहिर तालीम उनकी शख्सियत आपकी नजर में कैसी है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है इरफान भाई। पहली बात तो ये है कि आजाद साहब जो थे उनको बिलाशुबा हम माहिर तालीम कह सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सूरत ये है कि आजाद जहाँ बहुत बड़े विजनरी इसलिए भी थे कि वो तालीम की उस सतह को देख रहे थे कि वो कोई भी कौम हमारी इसमें खासकर किसी तबके के लिए तो नहीं बल्कि सारी कौम जो है इसमें सभी लोग शामिल हैं, वो तालीम की डगर से ही आगे चलकर कोई कोई चीज़ देख सकती है। आज़ाद की नज़र में जितनी भी हमारी हिस्ट्री थी पीछे वो सब थी, वो एक ऐसे ज़हनी तौर पर एक ऐसे सफ़र एक ऐसे कई ऐसे असफार से गुजरा था कि जहाँ पर हम कई मकाम पर डी ट्रैक हुए हैं। असल में इल्म ही कौमों को लेकर आगे चलता है और इल्म की बुनियाद जिस कौम में पड़ जाए, इल्म बामा ने एक ऐसा इदराक एक ऐसी तालीम जहां से कौमों के जहन साफ हों, जहां कौम एक ऐसी नई डगर पे चले कि उसे उसे तरक्की मिले और जहां एक नया समाज वजूद में आए, एक ऐसी तालीम वजूद में आए जो समाज के तई एक इतनी बड़ी इसलाह का काम करे कि समाज समाज ही मतलब एक लगे कि एक प्यूरिफाइड माशरा है, इसका अमल तथीर बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ हो। तो आज़ाद ने इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से सोचा और बल्कि ये काम किया। मैं समझता हूँ कि आज़ाद की नज़र में पान इस्लामिज्म से लेकर सर सैयद अहमद खान, वो सर सैयद के बहुत बहुत बड़े कायल थे, यानी एक ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुछ मामला पेश आए तो यानी वो बहुत ही नाजुक मामले पर पहुंच गई, तो उस वक्त आज़ाद आगे बढ़े और उसने उसकी बका को मजबूत किया और अलीगढ़ का एक मयार जो था वो उस तरह से कायम रखा। आज़ाद के जहन में जो नक्शा सर सैयद ने दिया था, आज़ाद सर सैयद की फिक्र के बहुत कायल थे, ये बात बगैर किसी लतो लाल कही जा सकती। आज़ाद सर सैयद की तर्ज तहरीर, सर सैयद की तर्ज फिक्र और सर सैयद के तर्ज इल्म पर आज़ाद जो है फोकस करते थे,
आजाद को मालूम था कि हमारे यहाँ जो कुछ भी ताबीरात हुई हैं बाज चीजों को लेकर आजाद बहुत उनकी बहुत ज्यादा राय अच्छी नहीं थी। आजाद भी मॉडर्न तालीम के कायल थे, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे इदारे को बल्कि उसका इनाग्रेट किया और उसके अंदर वो तब्दीलियां और उसकी ऐसी चीजें भर दी कि तालीम का चेक बैलेंस रहे और कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटीज तक जो है तालीमी पॉलिसी के ऊपर बाज़ाब्ता गौर व खोज किया जाए, नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए और नई नस्लों को नए अलूम से रोशनास किया जाए। इससे बड़ा आज़ाद क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी विजन की बात होती है, ये कोई कम विजन नहीं है। एक ऐसा इदारा उस वक्त बना देना जो आज की डेट में भी हम नई नस्ल के लोग इसको बहुत एडवांस समझते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज़ाद और सरसी जैसे लोग आज भी हमें 200 साल 300-400 साल बल्कि आगे दिखाई देते हैं, ये कोई आगे की चीज़ें हैं। इस दौर में भी अगर उनका विजन आगे है तो एडवांस तो ये लोग हुए। तो आज़ाद तालीमी मिशन में, आज़ाद तालीमी इख्तरा में, आज़ाद तालीम के सारे सिलसिले में सर सैयद को अपना मुर्शिद मानते थे और सर सैयद जो थे वो रोशन ख्याली के कायल थे। राजा राम मोहन राय का नाम भी ले लें और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त इन 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 चीज़ों को बहुत बहुत चाहते थे और चाहते थे कि नया इल्म इल्म आए और इल्म से जब कौम कदरदारक होगा, इल्म से जब कौमें आगे बढ़ेंगी दरियाफ्त और जब जब सब चीज़ें जब होंगी तो ये चीज़ें जो हैं ये कौम की फलाह के लिए, कौम की बका के लिए एक निशान मंजिल का काम करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद ने सर सैयद के मिशन को एक्सटेंशन के साथ, तोसी के साथ उसको अमलाया, उसको कायम भी किया और उसे कौम के अंदर राइज करने की उन्होंने उस वक्त बतौर तालीम वजीर तालीम के ये बहुत बड़ा काम किया। आज के आज की कौम पर, आज के इंसान पर, आज के इंसानी माशरे पर ये बात फर्ज ऐन है और ये फर्ज बन जाता है कि वो कम अज कम ये तो देखें कि आज़ाद और सरसियत का पैगाम क्या, यानी ये लोग कहना क्या चाहते हैं। अगर वो इल्म की बात कह रहे हैं तो किस किस्म का इल्म है, अगर ये मॉडर्न इल्म है तो इसके फायदे क्या हैं, इससे हम किन कन्फ्यूजन से, किन क्यासात से और किन मुसीबतों से निकल कर बाहर आ सकते हैं, हमें क्या क्या किन बलाओं से हमें निजात मिल सकती है। हमारे यहाँ जो माशरा था वो फंडामेंटलिज्म माशरा है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जहाँ से आज तक भी हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल के आए। अदब का मुकाम अपनी जगह है, अदब हर सदी में चलेगा, पहले भी चलता रहा है, आज भी चलेगा, लेकिन इल्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे निकलना है, आपने तरक्की याफ्ता माशरे का हिस्सा बनना है, इस साइबर स्पेस और इस इकोनॉमिक की सदी का आपने हिस्सा बनना है, तो इसमें आपको दो ही शख्सियात जो हैं वो आपके सामने खड़ी नजर आएंगी, एक आज़ाद हैं और एक सर सैयद अहमद खान हैं। मैंने ये बात मैं भी रिपीट करता हूँ कि आज़ाद ने जो भी तालीमी काम किया है वो सर सैयद की तोसी है, वो सर सैयद को बहुत पसंद करते थे, तो इसलिए आज़ाद के इस मानदाना काम को जितना भी तालीमी आज जो यौम तालीम के दौर के तौर पर मनाया जाए ये बहुत खुशी की बात है। हमारे माशरे को आज़ाद के इस विजन को अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी 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 इल्मी सतह पर इसको अमलाने की ज़रूरत है और हम में रही सही कमियां दूर हो जाएंगी। कोई भी माशरा जब नए ऐत के साथ आंखें चार नहीं करता, ये आज़ाद जानते थे कि कुरान पाक की एक आयत भी है कि मोमिन जो भी है या इंसान वक्त का बेहतरीन इंसान जो इसे आप कह लें वो अपने अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। और आज़ाद की ये सूरत हाल बहुत अच्छी है और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आज़ाद ने बहुत बड़ा काम। बहुत सारे सवाल आ गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं एक एक करके आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि सवाल का सिलसिला जो है ये बहुत अच्छा लगता है और हमारे नाजरीन जो है इसे पसंद भी करते हैं। जहाँ बहुत सारे हमारे नाजरीन ने कहा है कि बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, अच्छी बातें हो रही हैं, उनसे दरगुजर करते हुए मैं नाम भी गिनाता चलूँ तो कुछ नए नामों का इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ सैयद मुमताज़ हुसैन हैं, वाजिद साहब हैं, शबीर हसन साहब हैं, शाहिद सफ़ी साहब हैं, मुश्ताक सद्दीकी साहब हैं, तबस्सम नाडकर बम्बई से हैं, मंजूर हुसैन साहब हैं, मुश्ताक आफरीदी साहब हैं, जुल्का नकवी प्रतपाल सिंह देता, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मैं सवालात की तरफ आता हूँ कि सवालात में से बड़े खूबसूरत से सवालातों में से ये एक सवाल माहिर तालीम की हैसियत से जो अभी बात चल रही थी, हमीदुल्ला खान साहब का कहना है कि क्या तालीम निस्वा के ताल्लुक से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नज़रिया यानी क्या है, किस तरह का था, और सर सैयद जो थे ये अंग्रेज़ नवाज थे और जबकि मौलाना जो हैं अंग्रेज़ों के मुखालिफ थे। एक तो ये इसी को
हमारे जुल्फकार नकवी साहब ने यूं कहा है, अब आपका नजरिया है। नकवी साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि सर सैयद अंग्रेज नवाज नहीं थे बल्कि अंग्रेजी जुबान की तालीम के तरफदार थे ताकि यहाँ के आवाम जो है साइंसी उलूम से मुस्तफीज हो सके। प्रीतपाल सिंह बेताब साहब इसी का एक हिस्सा आगे जोड़ रहे हैं, क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मौलाना के सियासी समाजी नजरियात को दिल से अपनाया आजादी के बाद? तो ये तमाम तर चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप इन पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें। मैं बीच बीच में आता रहता लेकिन क्योंकि ये सवाल फिर मुझे निकल जाएंगे, तो तमाम तर आपने सवालात को देख लिया कि इनका तालीमी निस्वा के हवाले से क्या नजरिया था और ये अंग्रेज के मुखालिफ थे, वो अंग्रेज नवाज थे, और इसी के साथ के आजादी के बाद जो नजरिया है प्रीतपाल सिंह बेताब साहब का मानना है कि हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं वो सियासी और समाजी तौर पर इनके नज़रियात को दिल से अपना रहे हैं। तो ये है बातें, तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। जी, मैं हमीदुल्ला साहब का जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। आज़ाद तो तालीमी निस्वा के कायल थे, अगर आपने उनकी तफसीर तर्जमान कुरान पढ़ी होगी तो उन्होंने औरत के मर्तबे पर बहुत अच्छी बात की। वो इस्लामी फिक्र में इमाम इब्न तिमिया के कायल थे और उन्होंने कहा है कि औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना काम करे, ये बात सर सैयद ने भी कही है। तालीम का जहां तक सवाल है कि ये दोनों मुफक्कर हमारे सामने यही बात कहते हैं कि मर्द औरत की तालीम जो है वो यकसा है, औरत को तालीम मैदान में आना चाहिए। जबकि इकबाल जैसा दानश्वर ये बात कहता है बल्कि कतराता है इस बात से, बाजुका तो चीजें लोग ये सर सैयद के हवाले से भी कहते हैं कि वो इस बात का कायल नहीं था, ये नहीं था, मैं इस चीज को नहीं समझता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इकबाल थोड़ा सा इस बात से इनकारी, इनकार तो नहीं बल्कि थोड़ा सा कतराते हैं वो, और हमारे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो औरत की तालीम के कायल नहीं। दूसरी सूरत जो है कि मौलाना आजाद अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये बात तो दुरुस्त है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका जो हमारे मुल्क पर जो गासपाना कब्जा था मौलाना आजाद, इस बात के खिलाफ हमें हर किसी को होना चाहिए था। मुल्क की तहरीक की आजादी की जंग चल रही थी, आजाद का इसका खिलाफ होना तो बहुत, और आजाद इसमें तो मेन रोल दे रहे थे, तो इससे तालीमी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ता। जहां तक तालीम की बात है, इल्म की बात है, तो वहां पर तो विजन है, वहां पर तो दरियाफ्त है, ईजाद का जो इल्म है जो मगरबी सदी इसमें हो रहा था, मालिक में हो रहा था, तो हमें भी वो देखना चाहिए था कि वहां पर जो रोशन ख्याली जो जिसे आप कहते हैं वो किस तरीके से आ रही है। तो आजाद तो इस सूरत हाल के सर सैयद भी और ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कायल थे, ये होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये जो सवाल है कि आजाद जो था वो ये क्या नाम है, ये मैं सवाल भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा। दूसरा जो है कि जो प्रीतपाल सिंह बेताब साहब ने जो सवाल किया है कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों ने आजाद को एक्सेप्ट किया कि नहीं, उनके फिक्र इस्लामी को, उनकी उन चीजों को, हमारे यहाँ इस बात पर तालीम की मिनवान तो अभी तक हम अमला नहीं पाए। अभी तो हमारे यहाँ बहुत क्या साथ ही बहुत कंफ्यूजन है, अभी तो इस्लाम की असल थाट तक हम नहीं, क्योंकि नबी पाक ने 2000 साल पहले ये बात कही थी कि इल्म सीखने के लिए आपको अगर चीन तक भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, यानी इल्म हम पर 1500 साल पहले फर्ज कर दिया गया था। तो इल्म बुनियादी चीज है हमारे यहाँ, कभी कभार जो ताबीरात और तफसीरात की जो एक बहुत बड़ा एक सिलसिला जो चल निकला उसमें हम कहीं से कहीं निकल गए, बहुत सी चीजें हमें रिवायत और दराइत के सहारे से डिस्कस करनी पड़ी और फिर उन चीजों के कोई सबूत नहीं थे, तो ये चीजें जो है हमें एक और तरफ भी ले गई, और फिर बीच में एक किस्म के मुतहरिक फिक्री ग्रोह पैदा हो गए, हर एक ने कहा कि मैं नाजी हूँ, दूसरे फिरके पर सबकत लेने के लिए वो चीजें वैसी तराश लाए। तो जो ये जो जिला और तादील का पैमाना कायम हुआ इसमें हम सच पर नहीं पहुंचे, असल मामला हमारा इल्म का था, जो दीन ने जो हमारे मजहब ने कहा था कि मुसलमानों को इल्म जो है हासिल करने के लिए, यानी अरब से चीन आना नामुमकिन था उस जमाने में, जाहिर सफर नहीं होगा, हवाई जहाज तो नहीं था या कोई दूसरी चीज नहीं थी, तो अरब में खुद ऊंट का सफर होता था, तो चीन आना गोया इम्पॉसिबल था, यानी ये था कि ये हुक्म का दर्जा था। तो इस सूरत में तो हम बहुत पीछे, ये चीजें सर सैयदें पकड़ ली थी और आजाद ने भी पकड़ ली थी। हाँ, मुझे वो सवाल याद आ गया, पता नहीं किसने पूछा था कि सर सैयद जो थे वो अंग्रेज नवाज थे, ऐसी सूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिरे से नहीं है, बहुत ही इंतहाई गलत दलील है ये। सर सैयद ये कहते थे कि हम जो इस वक्त एक फिक्री मामलात में पिस चुके हैं, रिवायत किस्म के ढांचे में,
हमें थोड़ा सा इसे बाहर आना होगा, इसे कोई कोई बुरी बात नहीं है। हमें इल्म के लिए देखना है कि हमारे पास जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो इल्म के किन मयारात पे जा रही हैं। सो हमें वही तब्दीली लानी होगी। अगर उसके लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़े तो कौन का बात है, जिसमें उसमें बुरी बात क्या है। अंग्रेजी के जरिए, अंग्रेजी बेसिकली जबानें कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती हैं। जबान को एक खास दर्जा देकर अकीदत के तौर पर उस पर अड़ जाना, ये गलत बात है। इल्म के लिए अगर आपको अंग्रेजी के जरिए ही इल्म तक पहुंचना है तो इसमें तो कोई कबाब नहीं। सर सैद ने तो बड़ी बहुत एडवांस बात कह दी थी, ये कहना कि सर सैद अंग्रेज नवाज था, मैं तो ये ठीक नहीं समझता। कोई भी तहकीक इस बात को समझेगी भी नहीं। और वैसे भी आज साइबर स्पेस की सदी में जहां हम चारों जिहाद ये देख चुके हैं कि इल्म और किस तरफ जा चुका है, आज लोग चांद पर चले गए हैं, उससे आगे की चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये सेटेलाइट की सदी में हम क्या क्या देख रहे हैं, ड्रोन ऐद है, किसी को कोई इसको नैनो ऐद कहता है, इंटरनेट का जमाना कहता है, साइबर की सदी कहता है, इकोनॉमिक की सदी कहता है, ये सब कुछ ये आन की आन में हो रहा है। तो ये ही है सर सैद, असल में सर सैद ये है जो आज हम हैं। सर सैद कह रहा था कि आप एक मॉडर्न तालीम के माने ये हुए कि उस इल्म की तरफ आओ जो इल्म आपको किसी कोई मकाम दे, जहां आप दूसरे का मुकाबला उसी की जबान में दे सको। अगर अंग्रेजों के साथ आपने मुकाबला करना है तो गोया वो जो दरियाफ्तें कर रहे हैं, जो अलूम की सरहदें वो तय कर चुके हैं, हमें उन्हीं उन्हीं जैसी चीजें करनी चाहिए, तब जाकर हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। मुसीबत ये हुई कि हमने सर सैद को पकड़ लिया मजहबी थॉट के अंदर। ये ठीक है कि बाज़ चीजें उनको नहीं मजहब की बयान करनी चाहिए थी, जिससे बहुत सख्त तकलीफ हुई लोगों को, और मजहब के मामला में जो सर सैद ने बहुत सारी चीजों में इंटरवेंशन कर दी, वो एक और बहस है, वो शायद यहाँ मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन जहां तक इल्म की बात है, जहां तक अलूम की बात है, तो ये तो मैं कहूंगा कि सर सैद का मैार बहुत ऊंचा है। इसे अंग्रेज मुखालिफ कहना या अंग्रेज की तायद करना कहना तो ये बहुत बहुत गलत होगा। हमने कोशिश की है, अलामा शिबली नौमानी जैसे शख्स ने इल्म कलाम लिखा और उस इल्म कलाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप शिबली की बात देखिए, शिबली सर सैद की रफाकत में 14 साल रहे, आखिर इतफाक इसी इख्तलाफ इसी बुनियाद पर हुआ, उसके बाद भी आकर उन्होंने इल्म कलाम जैसी किताब लिखी, उस पूरी किताब में सर सैद का नाम नहीं। मतलब वो शख्स जो इंतहाई क्लासिक था और सर सैद का एक हमा वक्त साथी था, सर सैद से इख्तलाफ करने के बाद 14 साल की रफाकत या 15 साल की रफाकत के बाद अलामा शिबली ने जब इल्मुल कलाम लिखी, इल्मुल कलाम का मतलब यही है कि नए इल्म पर किताब जब उसने लिखी तो सर सैद का नाम नहीं है उसमें, हालांकि सर सैद की तहरीक के साथ और इसी बात पर इख्तलाफ। गोया हम कहीं ना कहीं शिबली भी चाहते थे कि हम मॉडर्न तालीम जो है सीखें, उन्होंने ये बात कह दी थी दबे लफ्सों कि हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारी रिवायत हमारी दराइत ने हमें बहुत पसमांदा कर दिया है। हमें एक नए इल्म की जो इस वक्त इल्म अनफसो आफाक का जो इल्म है, जिसे साइंस की टर्म में आप कॉस्मोलॉजी या कुनियात का इल्म कह लें, जिस बहुत हैरत अंगेज तरीके से चीजें जो है वो निकल रही हैं, तो अलामा शिबली जैसा ये मुफक्कर ये बात कह रहा है कि हमें होना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ भी उसने सर सैद से कर लिया था। बहरहाल मैं सर सैद की इस बात की तो दाद देता हूँ, अगर ये कहा जाए कि पिछली कई सदियों में तो सबसे बड़ा कोई मुफक्कर बताया जाए जिसने इल्म की बात की हो, जिसने विजन की बात की हो, तो सर सैद का कोई मुकाबला नहीं। इरफान साहब इस लेवल का आदमी हमारी हमारी तमाम सदियों में नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से आज भी सर सैद जो है वो एक बहस मुबासे का बाइस बना हुआ है, कोई इसे इस्लाम मुखालिफ कहता है, कोई अंग्रेज का हामी कहता है, ये चीजें इन चीजों के कोई माने नहीं। हमें एक साफ जहन करके चीजों को पढ़ना है, जो हकीकत है वो हकीकत है, उस हकीकत को एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस्म का वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब अमरजीत कौर नीर वो भी हमें सुन रही हैं, जुल्फकार नकवी साहब हैं, कृष्ण गोपाल मीना साहब हैं, मुसर्रत हसन साहब हैं, मोहम्मद वाजिद साहब हैं, डॉक्टर चमन लाल भगत साहब हैं, बहुत सारे और ना सिया सचदेवा हैं दिल्ली से, और बहुत सारे नाम हैं। जो आपने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया था तो उसी वक्त यहाँ एक कमेंट वाजिद साहब का आ गया था कि सर सैद जो हैं ये अंग्रेजों की मुस्लिम दुश्मनी से आगाह हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे ढंग से तालीम के साथ यानी मुनज़्ज़म करने की कोशिश की थी, बज़ाहिर अंग्रेजों के करीब थे, इसके बगैर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करना मुमकिन ना था। बहरहाल इसी तरह मौजूदा दौर में मुसर्रत हसन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आज तासुब की निगाह से देखा जा रहा है, मतलब उन्होंने कहा है कि इनका सवाल ही मैं पढ़ देता हूँ। उर्दू जुबान आज़ाद के ज़माने में और मौजूदा दौर में
जिन कदर तासुब के मरहलों में क्या फ़र्क नज़र आता है। अब ये सवाल थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, ख़ास तौर पर जब इसको किसी मखसूस फ़िरके से जोड़ा जाए। बहरहाल सवाल कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे। इब्नुल वक्त नावल में किसका जिक्र है, और इसलिए ये हमीदुल्ला खान साहब कहते हैं कि इब्नुल वक्त जो था इस नावल में किसका जिक्र है, और अलीगढ़ तहरीक कहा जाता है, और हमीदुल्ला आवाज वगैरह अमरजीत कौर साहब ये हमें शुक्रिया अदा कर रही हैं। मैं यहाँ ये यानी कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात का एक सिलसिला बन पड़ा है, इसमें प्रीतपाल सिंह बेताब का सवाल अभी मेरे ख्याल उस तरफ आपकी नज़र दौड़ाऊँगा कि जो नज़रिया है हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मौलाना आज़ाद के सियासी और समाजी नज़रियात को दिल से अपनाया है, सवालिया निशान है, आज़ादी के बाद, यानी उनका जो तालीमी सियासी समाजी जो भी विजन था, जो भी ख्याल था, वो किस हद तक आज जो है समझा जा रहा है, उसको बरता जा रहा है। कमर सरूर साहिबा भी आदाब कह रही हैं, बहुत बेहतरीन शायरा हैं, आपके यहाँ आ भी चुकी हैं, तो बहरहाल बहुत अच्छा एक सिलसिला है। तो मैं भी ज़्यादा सियासत की बात करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा ये इल्मी अदबी पेज है। बहरहाल ये शख्सियत ऐसी है कि इसकी बहुत सारी शेड्स हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। जहाँ हमने सहाफत का जिक्र किया, उनकी इंशा परदाजी पर चले गए, फिर मुफस्सिर की हैसियत से उनको देखा, माहिर तालीम की हैसियत से देखा। अब चूंकि उनकी ज़ात ऐसी थी कि वो बहुत सारी, अब मैं यहाँ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन उनके हम असर चाहे वो अदब वाले हों या कि सियासत के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हों, गांधी इनसे किस कदर मुतासर थे, शौकत अली या दूसरे तीसरे, इन पे भी अगर आप हल्का सा कोई तासुर पेश करना चाहें तो ज़रूर करें। पहले तो मैं बेताब साहब के सवाल पे आता हूँ। मैंने हल्का सा इशारा दिया था, मैं खुल के इस बात पर मौजू पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये कह दूं कि आज़ाद का सियासी जो नज़रिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसी वक्त एक्सेप्ट नहीं हो गया, यानी इतनी बड़ी उस पर बहस वासे के बाद खासकर इकबाल ने और फिर कायदे आजम ने तो इसको तो फेंक दिया था, इसको इस बात को तो तवज्जो ही नहीं दी। और जो उसका तालीबी नज़रिया है उसको भी अभी तक पूरे तरीके से अमलाया नहीं गया, खासकर हमारे लोगों में ये अमलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वहाँ इल्म और विजन की बात होती है, अभी तो हम क्लासिकियत में फंसे हुए हैं, अभी हम वहाँ से बाहर नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक इल्म का सवाल है, इल्म जो है आज़ाद ने ये बात तो बहुत वाजे की, दो नज़रिए उसके बहुत वाजे थे। एक तो उसका इल्म का नज़रिया, मैंने फिर दोहराता हूँ कि वो सरसियत की तोसी चाहते थे, उस बारे में उन्होंने कई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस भी किए, मैंने हल्के से इशारे कर भी दिए। दूसरी सूरत यह है कि उनका जो नज़रिया इस ट्यू थ्योरी का जो था, या ये नज़रिया जो था, ये तो मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम थाट्स में बहुत हद तक क्या बिल्कुल बल्कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। तभी तो आज़ाद ने तो खुद ही अपनी तकरीर में कह दिया था कि ये हमारे सर में जो मुसीबतें आने वाली हैं, ये इतने साल के बाद पेशन गोई कर दी थी, बल्कि उस तकरीर को जब आप कभी सुने देखें आप, तो उसने तो 25-25 साल का, 20 साल का, 10 साल का ये दौरानिया बताकर आज़ाद एक ज़बरदस्त पेशबीन की सूरत में ये बात कह रहे हैं कि आज से 20 साल बाद की बांग्लादेश आपसे अलग हो जाएगा और जबान की बुनियाद पर अलग हो जाएगा, ये आज़ाद कह रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ये बात कह रहे हैं कि बंगाली आपसे आज की ठीक 25 साल बाद, बिल्कुल 25 साल के बाद ये सूरत हमारे साथ वाजे हो गई और वो बांग्लादेश अलग हो गया, बल्कि जुबान की बुनियाद पर ही वो लोग अलग हुए, क्योंकि बंगाली को वो चाहते थे कि उसको प्रेफरेंस मिले। तो खैर ये एक बहुत बड़ा लंबा डिबेट है जो सूरत में नहीं, मैं मुख्तसर मेहताब साहब से कहना चाहता हूँ। मैं बेताब साहब के ही सवाल को उन्होंने फिर से दोहराया है कि मौलाना हिंदुस्तानी मुसलमानों के लीडर थे या इज्तमाई तौर पर हिंदुस्तानी कौम के लीडर थे। इज्तमाई तौर पर हिंदुस्तानी कौम के लीडर थे, लेकिन मुसलमानों को वो ये तंबीह कर रहे थे कि हम इस प्रोसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सख्त नुकसानदेह बल्कि तबाहकुन साबित होगा। ये उनके वर्डिंग है कि इज्तमाईत और कौमियत के थे, लेकिन मुस्लिम से वही कहना चाहते थे कि हम इस मरहले से नहीं गुजर सकते हैं, अगर हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें नुकसानदेह साबित होंगी, आने वाले वक्तों में हम जो है हमारे लिए बहुत सी दिक्कतें आएंगी जिन दिक्कतों को हम खुद ही संभाल नहीं पाएंगे। ये आज़ाद का बिल्कुल वाज़ेह नजरिया था। बाकी जहां तक इल्म की बात है और सियासी बड़े विजन की बात है, वो तो पूरे पूरे विजन के लिए था। ये तो दोनों कौमों की, 10-20 कौमों की, जो भी कौमें यहाँ आबाद हूँ,
सबकी बेहतरी के लिए बहुत बहुत बड़ा मुस्तहसन अमल था, लेकिन हादसातन तौर पर ये हो गया तो आजाद को ये बात बहुत खटती थी, क्योंकि वो माजी के तमाम अलूम जितने भी हमारे साथ जो तारीख है वो सब उसका एनालिसिस था उनके पास, उनको मालूम था कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हुई और आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास इस वक्त इसके लिए बिलफेल क्या फिक्र है। तो उस बात को लेकर आजाद ने ट्यूरेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर और नेगेट किया कि ये जो है इसके जो नतज होंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं होंगे, वो ये बात कहना चाहते थे दरअसल। बाकी को जहां तक विजन की बात है वो मजहब को लेकर तो वो बिल्कुल वाजे थे और दूसरी सूरतों को लेकर भी वो तो पूरी इस पूरे खिते के थे कि यहाँ अमन और सुकून पहली पहली सूरत हाल है, इसको 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 मजहब का इसको कैसे इसका इसका इस्तेकाम कैसे रहेगा, आजाद ये चाहते थे कि इसकी सूरत हाल इस तरह से हो। दूसरा जो इसके हवाले से था उर्दू के हवाले से कि उर्दू जबान जो थी वो आज की सदी में या उसके साथ आजाद के वक्त की उर्दू और आज़ाद की उर्दू को अच्छा उर्दू नहीं कहा जाता, नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कह जाते हैं कि इंशा परदाजी जो है, इंशा परदाजी की असल तारीफ जो है वो अगर आपको देखनी है मोहम्मद आजाद के यहाँ देखिए जो आब हयात लिखी है, या दूसरे जो उर्दू के बड़े अदीब हैं हाल ही के यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ नसल का जो बहाव है पानी की तरह है और बहुत कोई शकील अल्फाज नहीं बल्कि बहुत ही आसान नहायत शुस्ता और साफ जबान में बातें की हुई हैं, वो होती है उर्दू जबान की नफासत, उसकी इसका इसका बेहतरीन लब लहजा। जहाँ तक आज़ाद की नसर का ताल्लुक है, मौलाना आज़ाद की नसर जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन है, बल्कि मैं इसे अरबी नुमा नसर कहता हूँ और बहुत ही सख्त मुश्किल है। इसे आम आदमी बल्कि आम पढ़ा लिखा आदमी जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहे वो उसे नहीं पढ़ सकता, उसे हर दूसरे दफ्स पे डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। आप अरबी और फारसी के कठोर अल्फाज को जब आप समझ ना पाए तो आप आज़ाद की नसर का लुत्फ नहीं ले सकेंगे। ये आप आज़ाद के खुतबात पढ़ लें, उसमें सूरत हाल वाजे है, आज़ाद को क्या नाम है वो खुताब जो खतूत की है गुबारे खातर उसे देख लें, उसमें भी ऐसा ही है। तो आज़ाद की नसर को अप्रिशिएट तो कहें इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो वो कमाल की चीज़ है, लेकिन नसर का जब आप लिख रहे हों कोई चीज़ तो वो खासो आम तक पहुँचनी चाहिए। जब आप किसी पूरे सेक्ट को या किसी सूरत हाल को आप कहना चाहें तो जब ना कह पाएं तो ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलता। दूसरी ये है कि उर्दू की जो को सस्टेन जो बका है वो आज की सदी में उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखना है। आज़ाद की नसर या मोहम्मद हसन आज़ाद की नसर को देखकर अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं हमें हमें जो है उस तरीके के उस पैटर्न में चलना होगा, मुझे नहीं लगता है। हमें नए दौर में जितने भी जबान के अल्फाज आ रहे हैं वो उर्दू के साथ उनको मिलाना चाहिए, जबान को इनरिच करना चाहिए ताकि नई सदी के अलूम जो हैं वो भी इसी जबान के जरिए के हमें समझे जाएँ, तब जाकर उर्दू अगली दो चार सदियों में अपना सफर जारी रख सकेगी। मैज माजी के सहारे अगर इस जबान को आप चाहें कि ये जिंदा रहे, ये आगे चले, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसी सूरत हाल उर्दू के साथ है, क्योंकि ये कंप्यूटर के एज में और एज में आप लोग जी रहे हैं और इस जमाने में अगर आप फसाना आज़ाद की आप नसर लिखना शुरू कर देंगे तो या वो उस तरह की कोई सूरत या उधर लौट के चलेंगे, ये तो ठीक है, वो हमारा तालीमी हमारा एक अदबी असासा है, हमारी सकाफत है, हमारी मिरास है, उर्दू का क्लासिक ऐद है और बहुत बड़ा वसी सरमाया है, हम जबान वहां से सीखते हैं, लेकिन आज के जमाने में उर्दू की बका के लिए आपको नई सदी के साथ आंखें चार करके चलना पड़ेगा, नए ऐद को देख के चलना पड़ेगा। ये है उर्दू का। एक और सवाल था, फिर मैं इरफान भाई की तरफ जाता हूँ। हमारे हमीदुल्लाह साहब ने कहा था कि इब्न वक्त में और सरसैयद के हवाले से ये चीजें सरसैयद की मुखालफत उसके सारे जो है वो हम असर कर रहे थे, बल्कि बहुत बड़ा चंक सरसैयद के लिए नबरदाजमा हो चुका था, सवाए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के जितने भी या दो चार लोग और थे वो बाद में जो उसके साथ आए, जकाउल्लाह हूँ, मौलवी चिराग हूँ या दूसरे लोग थे जो सरसैयद के हम असर थे वो साथ में आए, लेकिन मौलाना का सबसे बड़ा मेजर चंक जो था वो सरसैयद पर कुफर के फतवे और कुफर की जो दारोगीर सरसैयद पर हुई वो एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी अलग से एक बहुत बड़ी तारीख है, वो शायद यहाँ इस वक्त सारी चीजें ना गिनाई जा सकती हूँ, लेकिन ये चीजें हर एक आदमी की बात को दुरुस्त मानकर सरसैयद को ही नुकता चीनी करना या सरसैयद को पकड़ लेना मैं नहीं समझता हूँ। सरसैयद इन तमाम चीजों से आगे की चीज है। सरसैयद एक बहुत बड़ा रोशन ख्याली का इस्तियारा है, बल्कि मीनार है जिसके कुमकुमों की रोशनी को आप 10-12 सदियां आगे भी आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, आपके नजरिए की जो है ताईद ज़ुल्फ़िकार नकवी साहब ने भी कहा है कि सरसैयद के साथ इब्नुल वक्त को जोड़ना यह ज्यादती होगी। तो बहरहाल प्रीतपाल सिंह बेताब साहब ने भी कहा है कि बहुत 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 देर के बाद इतनी अच्छी तकरीर जो है वो सुनने को मिली, बहरहाल बहुत खूबसूरत। और तारिक अबरार साहब भी यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा
आफताब मीर साहब हैं, इसी तरह हमीदुल्ला खान साहब ने एक सवाल और किया है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। कमर सरूर साहिबा कहती हैं कि आप दोनों हजरात को मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमीदुल्ला खान साहब भी यही कह रहे हैं कि एक अच्छी गुफ्तगू के लिए आप दोनों साहिबीन को मुबारक है, शुक्रिया। वाजिद साहब भी यही फरमा रहे हैं। तो बहरहाल नाजरीन, हमारी भी यही ख्वाहिश रहती है, हमारी भी यही कोशिश रहती है, हमारा भी मकसद यही है कि हम उम्र नहीं देखते, हम मजहब नहीं देखते, हम जगह नहीं देखते, हम मुकाम नहीं देखते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जहां तक भी हो सके पहुंच जाएं। अब आप देखिए कि हम दोनों हम उम्र ही हैं, लेकिन कल आने वाला जो है वो ना सिर्फ हमारे यहाँ का मेहमान होगा, वो शायद स्वीडन से हैं। कल का जो हमारा एपिसोड होगा 5 बजे, ज़रूर आप जुड़िएगा। इसी तरह आगे जो है हमारे कुछ इटली से आने वाले हैं, ये अलग अलग मुकाम से अलग अलग अहबाब, दोस्त, शायर, तमाम तर जो हमारे लोग हैं, ये अदब से मिलकर अदब की एक कड़ी बनाते हैं। बहुत खूबसूरत हमें सराहा गया है डॉक्टर साहब। मैं यहाँ चूंकि तालीम की बात चल रही थी, ये बीच में फोन भी बजते जा रहे हैं तो थोड़ा सा जहन इधर उधर भी हो जाता है। बहुत खूबसूरती से आपने तालीम के नज़रिए को यहाँ पेश किया और यही हमारी ज़रूरत भी है। वो चाहे सर सैद के हवाले से बात हुई, मौलाना आज़ाद साहब के हवाले से बात हुई, जान मोहम्मद साहब जो हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्तों में शुमार हैं, भाइयों में शुमार हैं, वो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। मार्टिन लूथर ने भी यही कहा था, उनकी जब हम तालीमात या उनके अकवाल देखते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि किसी भी कौम का, यानी हम कहेंगे कि उसका तमाम तर जो इन्हिसार है उसकी मजबूत दीवारों पे नहीं है, किल्लों पे नहीं है, उसके पास कितने औजार हैं, हथियार हैं, ये नहीं, उसके पास कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जरूरी है। तो इसी चीज को ये लोग भी महसूस कर पा रहे थे। तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी हमारा होता चला जा रहा है और यहाँ हमीदुल्ला खान साहब ने बीच में, मैंने कहा था कि कुछ सवाल, उन्होंने कहा कि परवाज के हवाले से, यानी इंडिया विंस फ्रीडम जो थी, क्या उसके हवाले से आप कुछ राय रखना चाहते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम से मुतल्लिक आपकी क्या राय है। बहरहाल ये राय भी हम जरूर सुनेंगे अगर आप देना चाहेंगे। कहकशा अदीब साहिबा शुक्रिया। जुल्फकार नकवी साहब कहते हैं कि मैं रोजाना प्रोग्राम देखता हूँ और सुनता हूँ लेकिन पूरा वक्त नहीं दे पाता, आज शाहनवाज साहब की बातों ने यहाँ रहने के लिए मजबूर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ जो अभी आपसे ये सवाल किया कि मार्टिन लूथर का कि भाई तमाम तर किसी भी कौम का इन्हिसार जो है उसकी बुलंदो बाला तामीर की हुई दीवारों से नहीं, किल्लों से नहीं, बल्कि वहाँ के जो तालीम याफ्ता नौजवान है उनसे है। तो मैं नौजवानों के लिए ही आपका पैगाम सुनना चाहता हूँ, उर्दू के मद्देनजर, यानी उर्दू को मद्देनजर रखते हुए उर्दू की अहमियत, अफादियत और इसकी मल्टी डायमेंशनल जो मैं कहूँगा कि जहात है, क्योंकि यहाँ एक सवाल जो था उन्होंने फिर से दोहराया है कि उर्दू को तासुब की निगाह से क्यों देखा जा रहा है। वो जो सवाल उन्होंने कहीं टूटा हुआ था तो दोबारा से उन्होंने लिख के भेजा है। तहरीक बकाए उर्दू के लिए यानी जान मोहम्मद साहब ने हमें नवाजा है, शुक्रिया जान मोहम्मद भाई। तो मैं यहाँ यानी नौजवानों के लिए बिलखसूस आपका ये पैगाम यहाँ सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप हम अभी उतने बुजुर्ग भी नहीं हैं लेकिन जवानी से थोड़ा ऊपर भी आए हैं, हमने खुद भी देखा है, बहुत सी मारें झेली हैं जब हम एमए कर रहे थे, उसके बाद भी आज देख रहे हैं। नौजवानों को कैसी तालीम आप दिलाना चाहते हैं, आपके नजरिए में आज का नौजवान कैसा है? आप कह चुके हैं साइबर एज है, आप कह चुके हैं कंप्यूटर एज है, आप कह चुके हैं कि हम बड़ी चांद, ये तमाम तर चीजें जो है साइंस का अपनी जगह पे हम एतराफ करते हैं, लेकिन उर्दू जुबान के हवाले से आप बताएं कि उर्दू जुबान, कुछ लोग इसको रोजगार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग उर्दू से नाला भी नजर आते हैं, कुछ लोग उर्दू के आज भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल आपको फख्र है कि उर्दू पढ़ के आज आप एक अफसर हैं। मैं खुश हूं कि उर्दू ने मुझे इतने अच्छे दोस्तों से मिलाया, अल्लाह ने अच्छा रोजगार दिया। तो आपकी नज़र में हमारे नौजवानों के लिए, ताकि उनके अंदर जो शको शुभात हैं, खास करके ये जो तासुब वाला लफ्ज उर्दू के साथ जोड़ा जाता है। जी, पहली बात तो ये है कि ज़बानें जो हैं वो सर्वाइव करती हैं वक्त के साथ, ये आप देख लें।
हमारी दो चार जबानों की बात मैं करता हूँ आपको एक ही जुमले में, उनकी तारीख में नहीं जाऊँगा। संस्कृत एक बहुत बड़ी रिच जबान थी, दुनिया की बेशतर जबानों में संस्कृत का मुकाम इलम के अतबार से बहुत ऊंचा था। आज की तारीख में आप संस्कृत को देखिए कि उसकी क्या सूरत बन चुकी है। अरबी कल कल तक जो थी बैन अल-अक़वामी जबान थी, आज आप देखते हैं वो सिमट कर यहाँ भी अरबी बोली जाती थी, बहुत से मुल्कों में बोली जाती थी, उसे बैन अल-अक़वामी जबान कहते थे। आज देखिए अब अरबी की सूरत हाल क्या बन चुकी है। फारसी कल कल तक हमारी दहलीज पर थी, आज आप देखिए वो जबानें कहाँ जा रही हैं। बेसिकली जबानें वक्त के साथ सर्वाइव करती हैं। अगर पहली सूरत में अगर वक्त उन जबानों का नहीं है तो जबानें सर्वाइव नहीं कर पाती, चाहे जितना अच्छा लिखा गया। फारसी में क्या कम लिखा गया है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने फारसी जब जबान को स्टडी किया, एक हाफिज की गजल का ही कोई मुकाबला नहीं, आज तक भी कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मुझे बताइए कितने कितने मदारस हैं, कितने स्कूल हैं जहाँ हाफिज को बतौर स्पेशल स्टडी पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी सवाए इक्का दुक्का दो चार 10 या 5% लोग हैं शौक के अतबार से, शौक के तौर पर हाफिज को पढ़ते होंगे। मिसाल अब रहा सवाल उर्दू के साथ, पहली बात तो ये है कि जबान को तासुब कुछ नहीं कर सकता, जबान खुद सर्वाइव करती है और वक्त जबान का होना चाहिए, जरूरी है। उर्दू अभी सर्वाइव करेगी, उसकी सूरत यह है कि ये जबान जो है खासकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर्वाइव इसलिए करेगी कि जिस ऐद पर यह ये जबान खड़ी है, इस नए ऐद पर खड़ी है, इस वक्त उर्दू के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इसको इस ऐद के साथ जोड़ दिया जाए। खुदा करे बहुत जल्द उर्दू कंप्यूटर की जबान बन जाए, और बन भी गई है, कुछ हद तक बन चुकी है। जिस वक्त उर्दू ये रूप धार लेगी तो इस जबान को बचाया जा सकता है। दूसरी सूरत जो इसमें लिखा गया, इतना अच्छा लिखा गया है, इतनी अच्छी शायरी हो चुकी है, इतना अच्छा अदब क्रिएट हो चुका है कि मैं नहीं समझता हूँ कि उर्दू गज़ल की इतनी खूबसूरत मिठास है, और एक ही गज़ल काफ़ी है इस एक सिनफ गज़ल की इस पूरी जबान को बचाने के लिए। सब जुज़ों को छोड़ दीजिए आप, इतने खूबसूरत शायर उर्दू ने पैदा किए और आज भी पैदा हो रहे हैं। आप मीर और दाग से शुरू कीजिए और यहाँ तक चले आइए, आप देखिए कि एक से बढ़कर एक शायर आपके पास मौजूद है जिसने खूबसूरत लिखा है। तो ये इतना जल्दी सोच लेना कि ये जबान खत्म हो जाएगी, मुझे इस बारे में मैं नहीं समझता हूँ कैसी सोच बन सकेगी। दूसरी बात जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस जबान को हमने अदब के साथ, अदब से के साथ तो जुड़ी है ही, अदबी तो जबान की है ही, इसको थोड़ा सा हमने इलम के साथ जोड़ना है। पिछले दिनों मैंने एक कालम लिखा था, उसका नाम था उर्दू जबान न जाए मानदन न पाए रफ्तन। मैंने यहां उसमें ये एप्रीहेंशन जाहिर किए थे कि हमें उर्दू जबान में कम से कम एक हिस्सा अलूम का भी लाना चाहिए। मैं बहुत हैरतज़दा हूं कि अर्जुन सिंह साहब ने अपने जमाने में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में उर्दू का करिकुलम शुरू करवा दिया, लिटरेचर और कौमी काउंसिल का कंसेप्ट दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर तमाम साइंस की किताबें तशरीह होकर तर्जमा होकर आपकी नई नस्ल जो है वो पढ़ रही है, इससे इस ये तो इस तरह की चीजें जब उर्दू के लिए की जाएंगी तो ये मैं कहता हूं कि सर सैयद ने उस वक्त साइंस के नाम से एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी, जहां पर ट्रांसलेशन जो है तमाम नए अलूम की करके उसने मुतरजमीन के जरिए लोगों में फैला दी। ये बात आपके डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट साहब ने उस वक्त की थी, उसने भी उन तमाम जबानों को जो 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 थी उस वक्त जहां उनको चाहता था कि हमें राबते के जरिए आवाम में उतरना है, वो तर्जमे के जरिए वो घुस गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के मकसद को हल करने के लिए वो तर्जमे के जरिए ही लोगों में उतरे थे। इस अहद के साथ उर्दू को हम आन करने के लिए आपको दारुल तर्जमा कायम करना पड़ेगा। अगर रियासत में हो सके तो कमाल की बात है कि तमाम असली अलूम को के लिए एक दारुल तर्जमा होना चाहिए जिसमें खूबसूरत साइंसी किताबें और बल्कि साइंस क्या अलूम की जितनी भी किताबें हैं वो उसमें जो है वो हों, ताकि नई नस्ल जो है वो इसकी तरफ रागब। उसका एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं है। आप जितनी मर्जी जज्बातियत का शिकार हो जाएं, उर्दू के लिए दारुल तर्जमा कायम होना इंतहाई अहम मेरे हिसाब से, जरूरी नहीं है हर कोई मेरी बात से इत्तफाक करे। मैं ये कहता हूं कि दारुल तर्जमा के जरिए जब आप अलूम की सरहदों में जाएंगे तो आपकी नई नस्ल जो है ऑटोमेटिकली उर्दू के साथ उसके साथ उसका रगबत बढ़ेगा,
का प्यार बढ़ेगा और वो इसकी तरफ मतवज्जो होगी। ये उर्दू के लिए बहुत जरूरी है। नौजवान, आज का जो नौजवान है, जो आपका बहुत इरफान साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि आज के नौजवानों को उर्दू की तरफ कैसे लाना है, ये उर्दू का हिस्सा कैसे बनेंगे, इसके लिए सबसे बेहतरीन सवाल ये है कि आज का नौजवान अपने रोजगार को लेकर मुतफक्कर है, फिक्रमंद है कि उसकी रोजी रोटी कैसे आएगी। और उर्दू के दो काम हो जाएंगे, एक तो उर्दू जब इल्म के साथ तर्जमा होकर नौजवानों के सामने जाएगी, उससे एक काम तो ये होगा कि उर्दू का मुस्तकबिल जो है उसकी एक एक नई बुनियाद पड़ के एक नया ऐद उसका शुरू होगा आगे चलने का। दूसरी सूरत में ये वही नौजवान उर्दू की रोजगार की जबान बना लेंगे। जब ये रोजगार की जबान ऐसे ही बनेगी, इस तरह के मौके जब जबान के लिए जब खुलते खुलेंगे, तो नतीजतन जब आपके नौजवान रोजी रोटी के लिए उसकी तलाश में उस जबान के साथ जुड़ेंगे, तो उस जबान की बका के ऊपर आप मोहर लगा सकते हैं कि जबान चलने वाली है। हमारे यहाँ हुआ क्या है, हमारे यहाँ हर चौथा आदमी जो है वो जज्बातियत का शिकार है। उर्दू को बचाना है, अजी इसको जी घरों में बोला जाए, अजी इसके अपने बेटे बोलें जी, फलाने का ये है जी, फलाने का वो, ये तो नहीं होता। जो मर्जी फलाने हों, डमकाने हों, कोई भी हो, उर्दू को अगर आपने बचाना है तो उर्दू की सूरत हाल ये है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना विजन है वो दारुल तर्जमा का है और उर्दू को असली अलूम के साथ जोड़ दिया जाए। फिर इसकी जो शायरी आज हो रही है वो अपनी जगह एक मुस्तकिल रहेगी, वो भी बचेगी, और लोग जब इसके साथ जुड़ेंगे इल्म के जरिए की वजह से इसके साथ जुड़ेंगे, तो उर्दू जो है उसको कोई भी ताकत, कोई भी तासुब, कोई भी वक्त उसको नहीं मिटा सकेगा। हमने जो जबान के साथ जब देखिए, एक जिंदा मिसाल मैं देता हूँ आपको, आपको इसके इससे ज्यादा चीजें जो है वाजी हो जाएंगी। जैसे चाइनीज जबान है, चाइनीज जबान जो है आज की सदी में दो चीजों की जबान बन चुकी है। हम तो पढ़ते हैं, हम लोग आए दिन जिंदगी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जबान जो है अंग्रेजी के बाद कोई जबान बोली जाती है पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो चाइनीज जबान बोली जाती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उस जबान को वहां के लोगों ने साइबर स्पेस के साथ जोड़ दिया, इंटरनेट की जबान बना दी और मार्केट की जबान बना दिया। चाइना में तो जबान में मुशायरे नहीं ना होते होंगे, चाइना में कुछ भी, उसमें ये हुआ कि जब मार्केट की जबान बन गई, प्रोडक्ट की जबान बन गई, तो आज आप यहाँ कोई चाइना की चीज खरीदेंगे तो उसमें तो चाइनीज जबान में लिखा होता है और कोई जबान नहीं होती। तो उससे जब जबान रोजी रोटी के साथ जुड़ गई, जब मार्केट के साथ जुड़ गई, जब इंटरनेट के साथ जुड़ गई, तो जबान के बचने की दलील जो है, जमानत जो है, वो अपने आप में तय हो जाती है कि हाँ इस जबान को आगे चलना है। हमारे यहाँ विजन से कम काम होता है, जज्बात के सहारे ज्यादा काम होता है। हम जबान को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से इसका कोई ऐसा ऐसा चीज है। अभी लोगों को कहा गया जी, हमारे कुछ लोगों को थिंक टैंक्स को, कि उर्दू जबान के लिए कोई एक एक कोई ऐसा नजरिया पेश करें जहां पर उर्दू जबान को बचाया जाए। हमारी रियासत के सारे दानश्वर जमा होके बहुत तलाश बसियार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें कौमी कौंसिल के पैटर्न पर एक छोटा सा दायरा खोलना है, कौमी कौंसिल पर ही चले। यानी कहना वो ये चाहते थे कि कौमी कौंसिल टाइप कोई चीज, तो इसे सीधा कहिए कि हम दारुल तर्जमा का एक इंस्टीट्यूशन जो इल्म अलूम का होगा उसका एक कायम करें हमारी रियासत के अंदर। तो उससे क्या होगा, जब इल्म तशरीहात की जद में आएगा, उर्दू के सहारे चीजें आएंगी, तो जो भी नौजवानाने वक्त हैं वो उनकी तवज्जो का मरकज बनेगा और नौजवानों की रोजी रोटी के जब मौके, जब उनको इस किस्म की हसूलियाबी उर्दू जबान में नजर आएगी, तो वो लोग उर्दू जबान के साथ जुड़ेंगे। इसी तरीके से जबान का जो मुस्तकबिल है, इसकी जो बका है, उसकी हिफाजत ऐसे ही की जा सकती है। और इस सूरत में अगर हम कोई और सूरत अपनाना चाहेंगे, वो तो ऐसे है जैसे लोहे की दीवार के साथ अपना सर फोड़ दिया जाए, तो होगा क्या, हम रोते रहेंगे और चीजें हमारे हाथ से निकलती जाएंगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने बातें पेश की हैं और हमारे नाजरीन ने भी इनको सराहा है। बहुत सारे नए नाम हमारे साथ जुड़े हैं, बहरहाल क्योंकि वक्त बहुत होता जा रहा है, 1.5 घंटा हमें यहाँ बैठे हुए गुफ्तगू करते हो गया है। आपकी तमाम बातों से इत्तफाक करते हुए ज़ुल्फ़िकार नक़वी साहब ने भी कहा है कि जितने भी हमारे कदीम मुफक्करीन हैं, दानश्वर हैं, उनकी जो तख्लीकात हैं उनको मुंतकिल ज़रूर किया जाए उर्दू में। और ये जो जज्बात वाला आपने नुकता उभारा है, ये सही कहा है, हम जज्बाती हो जाते हैं लेकिन अमली मैदान में बहुत पीछे नज़र आते हैं, हमें कुछ करना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। हम
बैठ के किसी भी कुर्सी पे, सोफे पे या किसी स्टेज पे चढ़ के ये बातें कह देते हैं कि उर्दू के लिए हमने ये करना है वो करना है, लेकिन अमली मैदान में आके कुछ कर गुजरना ये बहुत बड़ी बात है। और हमीदुल्ला खान साहब ने फिर से एक नुक्ता बीच में जोड़ दिया आपकी बातों की बातों में कि किसी ज़माने में दारुल तर्जमा उस्मानिया जो यूनिवर्सिटी के ज़ेर असर यानी मौजूद था, जहाँ तमाम अलूम उर्दू में तर्जमे किए जाते थे, यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग और कानून की किताबें भी उर्दू में थी और मीडियम भी उर्दू था। आज उर्दू मीडियम नहीं है, यह हम भी जानते हैं। हमने रियाजी यानी मैथमेटिक्स उर्दू में पढ़ा, सोशल साइंस उर्दू में पढ़ी, जो भी हमारा जग्राफिया था, तारीख थी, है ना, ये तमाम आज वो बदलती गई हैं, वो तमाम की तमाम अंग्रेजी में हैं। और फिर ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, यानी इख्तियार भी नहीं दिया गया है कि आप उर्दू में पढ़े, हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी में, अंग्रेजी ही थोपती है। बहरहाल तो ये तमाम तर चीज़ें भी आपकी नज़र में कैसी हैं कि भाई अंग्रेजी ही पढ़नी है तो उसके साथ साथ उर्दू जो आपने कहा है बिल्कुल के हमें जज्बाती नहीं होना है, वक्त को समझना है, क्योंकि वक्त के साथ चलते रहना ही फन कहलाता है। ये आपने कहा भी है कि वक्त के साथ अगर चलना है तो जदीद अलूम को भी जानना है। और कहकशां अदीब साहिबा का एक बीच में कमेंट्स आया था, अगर मैं वहाँ तक पहुँच पाया, उन्होंने भी कहा है कि आज योम तालीम है तो खुद मौलाना आज़ाद साहब का ये कहना था कि रोजी रोटी के लिए ही तालीम हासिल ना की जाए बल्कि शख्सियत साजी के लिए, तो किरदार बनाया जाए, अपने अंदर वो निखार लाया जाए कि खुद आपको अच्छा एक अमल करते हुए नजर आए। तो इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए प्रितपाल सिंह बेहताज साहब भी हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मैं इतनी सारी बातें कह चुका हूँ, इसमें सवालात भी हैं, इसमें मेरे कुछ ख्यालात भी हैं, नाजरीन के सवाल, उनके नज़रिया, क्योंकि मैं मिक्स कर रहा हूँ, अब मैं काम ये क्योंकि हमें बातें करनी हैं तो फिर वक्त निकल जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दारुल तर्जमा उस्मानिया, जिसके लिए आपने कह दिया है कि कौमी कौंसल बन गई थी यहाँ भी, लेकिन वही है कि वक्त और हालात के नज़र हो गई, मैं खुद उसका एक मेंबर बना था। तो ये जो हमारी रियासती यानी कौमी कौंसल की सतह पर, उसकी तर्ज पर यहाँ रियासती कौंसल बनी थी, हुकूमतें बदली तो ये निज़ाम बदल गया। तो बहरहाल दारुल तर्जमा उस्मानिया के हवाले से इस वक्त हम बात करें ना करें, अगर आप मुख्तसर कुछ कहना चाहें कि आपने कह भी दिया है कि तमाम तर जो बेहतरीन मवाद दूसरी जुबानों में है, चाहे वो जापान की हो, या हम चाइना की आपने बात की, या तुर्की की बात है, फारसी की बात है, अरबी की बात है, वो तमाम तर अलूम उर्दू में आने चाहिए। मुख्तसर आपका क्या जवाब रहेगा ताकि हम। हमीदुल्ला साहब ने जो सवाल किया है बहुत अच्छा है। उन्होंने, मैंने पहले ही कहा था कि सवाल किसी भी लेवल पर कोई हद ना मुकर्रर करें, कहीं से पूछ पूछ सकते हैं। जो हैदराबाद में जो काम हुआ था, हमीदुल्ला साहब को ये याद होना चाहिए कि वहाँ बहुत लीजेंडरी किस्म के लोग थे। दारुल तर्जमा की मेज पर कोई भी किताब आए उसे तर्जमा कर देना, ये तो बात गलत है, क्योंकि इससे हम कभी कभार डिट्रैक्ट भी हुए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, खिलाफत उस क्या मना अबासिया में जब किताबें हारून रशीद ने जब जो मेजें बनाई थी तर्जमे के लिए, तो उसमें कम से कम देखा तो नहीं गया था, सरयानी से लेकर संस्कृत की किताबें, कोई भी किताब आ गई आई किताब के स्टैंडर्ड को नहीं देखा गया। किताब आई तो तर्जमा होके चली गई, उससे हुआ क्या, बहुत सारी फिलोसफीज ऐसी थी कि जो हमें डिट्रैक्ट कर गई। पहली बात यह है कि तर्जमा जब किया जाए तो बहुत मौतात तरीके से किया जाए और इंतहाई बड़ी टीम होनी चाहिए जिन्हें मालूम हो कि क्या फील्ड में उतारना क्या है, ताकि नई नस्ल के लिए उसके मुस्तकबिल की जो जो मामला है वो कैसे किस तरीके से रोशन ख्याल होगा और इलम और उसका मुस्तकबिल बचेगा कैसे। एक बात तो ये तर्जुमा निगाह बड़े कैलिबर के होने चाहिए। वो मैंने इसलिए कहा कि हैदराबाद जो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर मौलवी हबीबुर रहमान शिरवानी से लेकर डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान और खलीफा अब्दुल हकीम जैसे लोग एक ही जमाने में काम कर रहे थे, ये आपने अपने शोभाजात के एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। इन लोगों ने जो काम वहां पर किया, खासकर तारीख का, आर्काइव का, तर्जमे का जो काम किया, वो मैं समझता हूँ कि कमाल की चीजें थी। और फिर शाम को जब ये लोग बैठते थे एक दूसरे के साथ चाय के वक्त, इनके बाजाबता इतने, देखिए ये इलम के एक जैसे सितारे जब जमा हो गए तो वहां तो कोई नायाब चीजें तो आनी ही थी। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने जो वो काम किया वो लामिसाल काम था, लामिसाल काम था। और उस काम में जो जो चीज़ें समझ आई, जो 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 तर्जुमे मिले हमें, जो चीज़ें हमारी तहकीक में आई, जो तारीख पर जो बातें आई, जो किताबें दूसरी भी आई,
उन किताबों का कोई उन किताबों का कोई 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 मिसाल पेश नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरी बात ये है कि आज की सदी में जो अलूम को लाने की बात है, असल में उर्दू की बका में, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, उर्दू की बका का जब जहां तक सवाल होता है, इस पर जज्बात के सहारे नहीं कोई कोई फैसला किया जा सकता। जबानों के हवाले से जब कभी भी बात की जाए और जबानों की सूरत हाल को देखने के लिए आपके पास एक्सपर्ट होने चाहिए, जो राय रखने वाले भी हों, जो विजन रखने वाले भी हों, जो कलम हाथ में पकड़ना भी जानते हों। हर कोई आदमी कलम नहीं उठा सकता, अगर हर कोई उठाता है तो फिर वो किताबें जो आप इतनी लिखी जा रही हैं, हर चौथा आदमी अदीब है, मुझे बताइए कितनी किताबें शुमार होती हैं, कितनी किताबें लोगों की जो हैं वो खत्म हो चुकी, वो दिमाग चाट चुकी है, दस्त चाट रही है, कोई पढ़ता नहीं, इक्का दुक्का किताबें क्यों जो है दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक ने कोई कोई गलत लिखा, हर एक का अपना एक्सप्रेशन है, उसकी अपनी सरहद है, उसका उसका अपना एक विजन है, नकार तो किसी को नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने तो खरे खोटे को तो देखना है, या उसको भी देखना है जिसके जरिए आप एक नई नस्ल में कोई चीज देना चाहते हो। तो जब उर्दू के साथ आप ऐसी सूरत हाल बनाएंगे, तो जब कोई सिलेक्शन के प्रोसेस पे आप जाएं तो आप कुछ ना कर पाए, जहां से आप सही आदमी को फील्ड में ना उतार सकें, तो उसकी तो कोई जबान, कोई भी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी जबान हो, तब वो जबान नहीं बच सकेगी, क्योंकि मुहाफिजीन को ही बचाना है। मुहाफिज हर एतबार से चाको चौबंद, हर एतबार से कील कांटे से लैस होने चाहिए, मतलब इलम के एतबार से, विजन के एतबार से उनका एक वसी विजन होना चाहिए, क्योंकि हमने उर्दू को लेकर उन बच्चों के लिए काम करना जो अभी माओ के पेटू में है, तो ये सोचना तो जरूरी होगा। तो इसके लिए आपके पास फिक्री सलाहियतें, आपके पास अकली सलाहियतें वो होनी चाहिए जो बिल्कुल बिल्कुल लामिसाल हो, तभी जाकर देखिए रोशन ख्याली की बात कौन कर सकता है। क्लासिकियत की बात में तो हमारा सारा शहर, हमारी सारी दुनिया डूबी हुई है, लेकिन रोशन ख्याली को पूरी वर्ल्ड के अंदर मदर चंद लोगों ने किया। आज तो हम तो कहते हैं कि जी उमर खयाम ने फारसी में रुबाइयां लिखी, वो एक मैथमेटिशियन भी था। अच्छा, इब्न हैशम ने आपको आंखों की इसका कंसेप्ट दे दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दे दिया, ये तो खैर बड़ी बातें हो जाएगी, मैं साइंस में उधर चला गया तो वो फिर मुसलमानों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। नहीं कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास लिखने वाला तबका इंटेलेक्चुअल और जीनियस नहीं होगा, तब तक गजल हो, नज़म हो, तर्जुमा हो, तहकीक हो, तनकीद हो, कोई भी शोबा हो, जब तक आपकी तहरीर के अंदर उसके मुस्तकबिल की जमानत नहीं होगी, कोई कुछ भी करे, जितनी मर्जी किताबें लिख ले, उससे होने वाला कुछ भी नहीं। उर्दू के लिए फिलफोर इस बात की जरूरत है कि इसके लिए जो भी इसके महफूजीन हों, वो सबसे पहले वो एक एलीट क्लास है, हर एक को हक है उर्दू के लिए बात करने का, लेकिन जो पेश रो हों उसके, वो लोग हों कि जो इसका मुस्तकबिल तय कर सकें या जिनमें कैपेसिटी हो। तो यहाँ कभी कभार हम जो है वो इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते हैं, फिर होता वही है जो एक आम बात है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जमाने में, खासकर इस सदी में, इस वक्त उर्दू के लिए नई नस्ल को साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, और नई नस्ल को उर्दू के साथ जुड़ने का एक रास्ता है, उसे दारुल तर्जमा ही कहा जाए, तर्जमे का बाब खोला जाए, यहाँ पर एक चैप्टर खोला जाए, चाहे वो हमारे मुल्क में कहीं भी खुले, उर्दू के लिए किसी भी जगह खुले, तो उसी से ही बचेगा। यानी अगर अर्जुन सिंह साहब ने कह दिया कि आप कौमी कौंसिल कायम कर दीजिए, मुझे कमाल की चीज़ कायम की, हालांकि उसमें और प्योरीफाइड तरीके से काम हो सकता था, बड़ा काम हो सकता था उसमें, और उसको 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 विजन दिया जा सकता था, लेकिन जितना भी दिया उतना जो काम हुआ है वो लामिसाल काम हुआ है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी इसी पैटर्न के एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और नई नस्ल को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलूम लाने पड़ेंगे, और अलूम के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी किताब लानी है, वो टीम तय करेगी, फिर जाकर उर्दू का मुस्तकबिल जो है उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये महफूज है, अदरवाइज आप जज्बात नहीं बचा पाए। बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की, बहुत अच्छी शेड्स, बहुत अच्छे मौजूआत को हमने छुआ, वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कहीं भी हमारे नाज़रीन जो हैं मायूस नहीं हुए हैं, ये लग भी रहा है आज उनके कमेंट्स से। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी गुफ्तगू रही, कहीं हमने वजाहत की, कहीं हमने इशारों से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जहाँ तक हम नाज़रीन को मुत्तफिक कर सकते थे अपने ख्याल के साथ। तो बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू, इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ आपको किसी नए मौजू पे दावत देंगे, क्योंकि आपने कहा है कि अभी बहुत कुछ तशना है, बहुत कुछ बाकी है। हम साइंस के हवाले से आपके साथ जुड़ेंगे कि उर्दू और साइंस को कैसे बाहम किया जा सकता है, मजामीन दारुल तर्जमा की बात हुई और बहुत कुछ अभी बाकी है। नाजरीन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी कौंसल तारिक अबरार साहब ने कहा है कि उर्दू कौंसिल के कायम के लिए उर्दू इंटेलेक्चुअल जो है मुंतखब होकर फाइट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भाई जब हुकूमतें बदल गई, तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ इस पे कि हुकूमत ही बदल गई तो ये मुद्दा हमने छेड़ा था कहीं जाके, तो उन्होंने कहा कि अभी बहरहाल ये कहानी फिर सही। इस पे हम जरूर एक बेहतरीन डिबेट रखेंगे तारिक भाई, ये हमारा वादा रहा। बहरहाल नाजरीन आप हमारे साथ बने रहे, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने इतना खूबसूरत वक्त दिया, इतने खूबसूरत ख्यालात और एहसास का ऐसा अपने एहसास का जज्बात का मैं कहूँगा कि अच्छी तरीके से यहाँ नुमाइंदगी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नाज़रीन के सवालात के जवाब जो है आप देते रहे हैं, और कहीं भी हम खुद ही महसूस कर रहे थे, वरना हमें भी कभी ना कभी कुछ ऐसे सवालात आते हैं जो हम कतरा जाते हैं कि ये फिर कहीं। तो बहरहाल आज उर्दू जुबान से जो मोहब्बत की बात आपने की, उर्दू जुबान से फिर जो जज्बातीत की बात आपने की, और फिर एक दानश्वराना जो नुकात आपने पेश किए, इन तमाम तक के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस एक शेर से हम इजाजत चाहेंगे अपने नाजरीन से, क्योंकि यही प्रोग्राम का मकसद है, यही इस तहरीक का मकसद है जो इस शेर के हवाले से आप तक पहुंचाऊंगा, कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, माना के इस जमी को ना गुलजार कर सके, माना के इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो बहुत नाजरीन मैं इसी पैगाम से आपसे अपने मेजबान से इजाजत चाहूंगा, और इसी उम्मीद से इसी दुआ से कि कल दोबारा हमारा ये प्रोग्राम जो है 5 बजे होगा, उसे देखना और सुनना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अपने मेजबान इरफान आरिफ के साथ साथ हमारे मेहमान डॉक्टर शाहनवाज चौधरी को दीजिए आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।